यार पहले दिन ही नो एनर्जी ऐसी फील हुई कि यार कुछ तो पहला शॉट हमने लिया था जब अभिलाष छत पे खड़ा होकर स्माइल कर रहा है एंड देन पीछे से कैमरा आता है और राजेंद्र नगर का इंट्रोडक्टरी शॉट है वो पहला पहला शॉट था वो। तो जब उसने स्माइल किया ना अभिलाष ने, मैंने कहा कि ओ हो ये कुछ अलग बन रहा है। Hey guys, this is Ayush back again with another episode of the Cup Noodles to Career podcast. And today, in this episode, बहुत ही ज़्यादा special guest हैं. He is one of the most special people that I've gotten on this podcast, Mr. Apoorv Singh. He's a director at TVF and he has directed some of my favorite web series, TVF Aspirants, College Romance, Flames, and a lot more. बहुत ही ज़्यादा interesting conversation हुआ. हम जब conversation करने बैठे थे ना, यार पता भी नहीं चला टाइम कैसे गया और एकदम घुस गए थे। एंड आई लर्नड सो मच अबाउट फिल्म मेकिंग, अबाउट हिज थॉट प्रोसेस, कैसे डायरेक्शन अप्रोच करनी है, इनकी जर्नी क्या रही है और एस्पिरेंट्स के बारे में बहुत सारी स्पाइसी और इंटरेस्टिंग डिटेल्स जो कि कहीं भी अवेलेबल नहीं है, ऑल ऑफ देम इन दिस एपिसोड। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत वैल्यू ड्रिवन एपिसोड है। यूजली इस सीज़न में हम थोड़ी ऐसे चिल कॉन्वर्जेशन कर रहे थे, बट भाई इस एपिसोड में जो भर भर के वैल्यू है ना, आई कैन अश्योर यू दैट यू विल गो होम विद अ लॉट 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 ऑफ नॉलेज एंड अ लॉट ऑफ इनसाइट्स। सो डू वॉच द एंटायर एपिसोड एंड आई होप यू लाइक इट। एक ये यूट्यूब है ना, इसके लिए एक अलग प्रेम है यार, क्योंकि यहीं से खड़े हुए हैं हम लोग देख। तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हर साल एक बहुत अच्छा शो हम लोग यूट्यूब पे डालें ताकि लोग उसको फ्री में एंजॉय करें। ये कैसे डिसाइड हुआ था कि एस्पिरेंट्स जाएगा यूट्यूब पे? यार इसके ना दो रीजन है देख। एक रीजन था कि हम लोग जेन्युइनली चाहते थे, क्योंकि देख यूपीएससी ना एक ऐसा एग्जाम है जिसमें मिडिल क्लास तो ठीक है, लोअर मिडिल क्लास, उससे भी लोअर मिडिल क्लास, मतलब सबसे नीचे तबका भी है जो ना हिंदुस्तान का, वो भी एग्जाम देता है और बहुत ज्यादा नंबर्स में देता है। तो यार अगर आपको एक्चुअली यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए शो बनाना था ना, तो आपको उस तबके को भी टारगेट ग्रुप मानना पड़ेगा। अब जब आप उनको भी ये शो दिखाना चाहते हो, ये जर्नी से कनेक्ट करवाना चाहते हो, देन इट यू कैन नॉट आस्क देम टू पे, बिकॉज है ही नहीं ना, कई सारे लोग के पास पैसा नहीं है ना कि 700 रुपए का सब्सक्रिप्शन लें और फिर उसके बाद आए और देखें। पीपल वुड सी इट इफ इट इज फ्री। तो ये सबसे बड़ा रीजन था कि बिकॉज वी वॉन्टेड टू रीच इट टू द मार्केट, तो इसलिए हमने यूट्यूब पे किया। एंड वी ऑलवेज न्यू कि यार ये परफॉर्म करेगा, बट ये भी हमें पता था कि यार ये फूटेगा, बट ऐसा फूटेगा ये उम्मीद नहीं थी। मजा आ गया बट देख के, जो इमोशंस फील हुए ना थ्रू आउट द एपिसोड्स। और मैं टीवीएफ को फॉलो कर रहा हूँ उनकी पहली वीडियो से जो कॉलेज में बनाई थी, मतलब एज एन आउटसाइडर क्या क्रेजी जर्नी लगती है ना, इट इज एक्सट्रीमली इंस्पिरेशनल। मतलब यार हम लोग को ही, मेरे को ही हो गए 7 साल एसोसिएशन टीवीएफ से, तो सिर्फ तुम एज एन आउटसाइडर वो इतनी क्रेजी लगती है, एज एन इनसाइडर हमें कितनी क्रेजी लगती है सोच, बहुत ज्यादा। हमने तो वो सारे अप्स एंड डाउन देखे हैं। पीछे मुझे दिख रहे हैं तीन तीन पोस्टर, प्लेन्स है, इंजीनियरिंग गर्ल्स है, आम आदमी फैमिली है, आम आदमी फैमिली, और कॉलेज रोमांस आना है, और फिर एस्पिरेंट्स तो आना ही है, उसके बाद वो आना है, एक और नया शो मैं कर रहा हूँ इसके बाद, ब्यूटीफुल शो, वो भी आना है, वो 6 महीनों में कौन सा शो जाएगा ये नहीं बताओ मुझे, इसके बाद बता भी नहीं पाऊंगा, इसलिए ये ऑफ द रिकॉर्ड बताऊंगा। अच्छा ये आई रिमेम्बर जब हम अक्टूबर में मिले थे और बहुत ही ब्रीफ मीटिंग था, आप भूल गए थे थोड़ा सा, बट मुझे याद है तब मैंने आपसे दो तीन सवाल पूछे थे आपसे। पहला सवाल था कि जर्नी में सबसे स्पेशल शो कौन सा रहा है, तो आपने उस टाइम पे फ्लेम्स बोला था मुझे। आई रिमेम्बर आपने ऐसा बोला था कि फ्लेम्स मेरे बच्चे जैसा, जैसे आई ट्रीट इट लाइक माई बेबी। इज इट स्टिल ट्रू, मतलब एंड वो स्पेशल क्यों था यार? इट इज स्टिल ट्रू, देख मैं बता रहा हूँ, वो इट इज स्टिल ट्रू क्योंकि फ्लेम्स एक्चुअली हमने बहुत शुरुआत से क्रिएट किया। एस्पिरेंट्स के साथ क्या है कि एस्पिरेंट्स इज समथिंग दैट माय लाइफ सर्किल हैज बीन कंप्लीटेड, ऐसा लगता है मुझे, और आई बिलीव दैट, बिकॉज जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तब मेरे को पता भी नहीं था कि 6 साल बाद आई वुड डू इट, बट आज व्हेन आई लुक बैक आई रियलाइज दैट कि आई थिंक आई डिड दैट प्रिपरेशन बिकॉज आई हैड टू डायरेक्ट यूपीएससी। तो इसलिए मेरा ना, जब मैं यूपीएससी की स्क्रिप्ट पढ़ी और जब मेरे को अरुणाब ने पूछा कि यार कर ले तू, तूने तो किया हुआ है यूपीएससी, व्हाई डोंट यू डू इट, तब मेरे को एकदम से एक रियलाइजेशन होता है ना आपको अंदर की, ओ शिट ये शायद
दिस इज व्हाई आई डिड दैट प्रिपरेशन. तो शो तो उससे पहले बहुत पहले लिखा जा चुका था, तो इट इज नॉट समथिंग दैट आई क्रिएटेड. क्रिएटर्स अरुणाब और शेरी हैं, और दीपेश जिसने 18 महीने लगाया यार इस शो की क्रिएशन में, आई थिंक सबसे बड़ा हाथ तो उस आदमी का यार. वो रात रात भर बैठ के पता नहीं कितनी बारी उसने ये शो लिखा है, कितने रीराइट करे हैं ड्राफ्ट, कितनी रिसर्च करी है. 6 महीने तो उसकी रिसर्च ही थी शायद. तो आई थिंक क्रिएटर वो है, बट दिस शो इज स्पेशल फॉर मी बिकॉज दिस हैज कम बैक टू मी आफ्टर 6 ईयर्स. तो वो होता है यार, मतलब वो किसी की जर्नी का भी पार्ट है कि वो कहते हैं ना कि लाइफ विल डाइग्रेस यू फॉर रीजन यू वुड नॉट नो नाउ, यू कैन ओनली नो देम लेटर ऑन. तो मेरा वो डाइग्रेस जो करना था लाइफ का, वो शायद इसलिए था कि 6 साल बाद ये मैं बना पाऊं. वाओ, मैंने आपका इंस्टाग्राम पोस्ट देखा था, एंड आई थिंक ऑडियंस को थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे देते हैं. मतलब आई नो योर जर्नी स्टार्टेड इन नैनीताल, राइट? आपकी स्कूलिंग नैनीताल से. एक बार ऑडियंस को बताओ ना कि वहां से लेके इस जो यहाँ पे पहुंच गया, विच इज कम्प्लीटली डिफरेंट, क्योंकि आपने शुरू किसी और टेंजेंट पे करा था बट अभी आप कहीं और हो. सो ये पूरी जर्नी कैसी रही है, और क्या क्या चीजें थी, व्हाट वर द अप्स एंड डाउन्स, एंड हाउ डिड यू कम वेयर यू आर राइट नाउ? यार नैनीताल से स्कूलिंग करी और पहाड़ी हूँ मैं, और सबसे ज्यादा एक वो होता है कि बिकॉज नैनीताल एक बहुत छोटा शहर है और हम सब एक दूसरे को जानते हैं, है ना. तो बहुत ही एक रिजर्व सोसाइटी रही है हमेशा से पहाड़ों में, कि बहुत ज्यादा खुलते नहीं है. तो जब जब मेरे को ये फैसिनेशन जो फिल्म मेकिंग का था, ये हुआ जब नैनीताल में ना बहुत सारी फिल्में शूट होती थी, और मैं सेंट जोसेफ कॉलेज का पास आउट हूँ नैनीताल. और वहां पर क्या है, क्लास 7th या 6th की बात हो गई, आई एम श्योर, जब कोई मिल गया कि शूटिंग होने वाली थी हमारे स्कूल में, और रैंडमली हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे और रेकी हो रही थी. तब तो हमको पता भी नहीं था रेकी क्या होती है, तो रेकी हो रही थी और राकेश रोशन बिल्कुल, मैं बॉल के पीछे भाग रहा था और सडनली 4-5 लोग आगे से मेरे सामने टकराए, और मैंने कहा सॉरी, और मैंने देखा ओ, मैंने कहा ये तो कोई और ही है. देखा तो रियलाइज हुआ कि राकेश रोशन है, फिर हमने कहा पता नहीं क्या हो रहा होगा. बाद में रियलाइज किया कि कोई मिल गया कि शूटिंग होने वाली है वहां पे. और तब मैं 6th में था यार, 5th या 6th में, आई डोंट नो. तब मेरे को ना वो शूटिंग पता नहीं क्या हुआ कि आई वांटेड टू सी दैट शूट. एक अंदर से चाहत हुई कि मैं देखूंगा चाहे कुछ भी, और स्कूल की छुट्टियां थी उस टाइम पे. बट आई मेड श्योर दैट आई एंटर द स्कूल समहाउ, किसी तरह घुसे, किसी से जुगाड़ लगा के घुसे, और मैंने शूट देखा कोई मिल गया था, बिकॉज हमारी क्लास में वो वाला सीन भी था ऋतिक का. तो मेरे को लगता है वहां से वो एक सीड की बर्स्ट हुआ था कि हाँ यार इस लाइन में ही जाना है. बट विच लेटर आई रियलाइज कि वो 12th में जाके मेरे को बहुत काफी डेप्थ के साथ फीलिंग आई कि नहीं यार यही करना है. आई डोंट नो व्हाई वो होता है, वो शायद आई थिंक इट वाज मेंट टू हैपन, सो इट हैपेंड. कि 12th के बाद मैंने कहा मेरे को कोई एग्जाम नहीं देना, मेरे को इसी लाइन में जाना. तो फिर ग्रेजुएशन करी, बिकॉज सेफ्टी भी जरूरी थी उस टाइम, तो नहीं पता था ना प्लान ए प्लान बी के बारे में. बिल्कुल. तो फिर ग्रेजुएशन करी, बट ग्रेजुएशन आई मेड श्योर दैट आई कि मेरे को किसी और लाइन में नहीं करनी, मेरे को अगर करना है तो फिल्म मेकिंग एंड एनिमेशन काइंड ऑफ एक कोर्स था बिरला इंस्टीट्यूट नोएडा में, वहां से कर लिया था. उसके बाद कहानी शुरू हुई यार, मतलब वहां तक तो स्कूल टाइम तक मौज चल रही थी, कॉलेज में मजे कर रहे थे, लेकिन फिर वही है ना कि जिंदगी के संघर्ष जब शुरू होता है तब आते हैं मजे. फिर उसके बाद यार बहुत टाइम तक मैंने दिल्ली में काफी डॉक्यूमेंट्रीज करी. तो सबसे पहले आई स्टार्टेड ऑफ एज मतलब सबसे पहली अगर दो शूट्स बताऊं तो मैं लाइट मैन भी रह चुका हूँ, ठीक है. उसके बाद मैं कैमरा पर्सन भी रह चुका हूँ, और उसके बाद मैं रिवर बैंक स्टूडियोज है दिल्ली में, वहां पर भी मैं काफी टाइम तक काम कर चुका हूँ एज असिस्टेंट प्रोड्यूसर, और डॉक्यूमेंट्रीज करी हैं. बट कुछ ना हमेशा से लगता था वो काम करके भी, नहीं यार ये नहीं है वो जो मैं करना चाहता हूँ. मतलब मेरे को ना फिक्शन का बहुत कीड़ा था, बट कुछ नहीं वर्क कर रहा था. तो हमने कहा ठीक है अभी स्टार्टिंग है यार, 1-1.5 साल में हम कहाँ इतने सैड हो गए, लेट अस एंजॉय. और बहुत सारी कोशिश करी, बर्थडे वीडियो शूट करते थे स्टाइल मार के, और शादियां शूट करते थे, काफी सारी चीजें करी. उसके बाद समीर सक्सेना मिले मुझे, 2008 या 2009 की बात बता रहा हूँ, मेरे को याद भी नहीं सकती, 2009 में मिले शायद समीर सक्सेना, जिन्होंने ये बनाया है परमानेंट रूममेट, ट्रिपलिंग, ये मेरी फैमिली. तब मैं फिर उनके साथ एडी चिपक गया. तो और उनको भी मेरा काम पसंद आया और हम बहुत अच्छे दोस्त बने. और उसके बाद फिर बॉम्बे उन्होंने बुलाया, लेकिन यार वो जो बॉम्बे के 3-4-5 साल थे ना भाई, उसने बैंड बजा दी.
मतलब लिटरली ऐसा था कि बहुत टफ टाइम्स देखे, क्योंकि यार ये फैक्ट है कि इनिशियली बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, और वो स्ट्रगल सहने के लिए आपको पैशनेट होना पड़ता है बहुत ज्यादा। तो हमको हमेशा से लगता था कि ठीक है अभी खराब टाइम चल रहा है, बट हमेशा से एक बात पता थी यार कुछ तो होगा आगे, बिकॉज और कुछ नहीं आता था यार मुझे भी। मैंने ग्रेजुएशन भी नहीं करी, मैंने पढ़ाई ठीक ठाक नंबर ले आए, लेकिन मेरे को मैथ्स में तू आज भी अगर पूछ लेगा ना मुझसे सवाल कि भाई एक ट्रेन उधर से आ रही है एक ट्रेन इधर से आ रही है दोनों कहाँ मिलेंगी, मेरा मेरा ऐसा हो जाता है ये क्या पूछा है। तो मतलब मेरे को और कुछ करना नहीं आता था। तो आई ऑलवेज न्यू कि यार कुछ तो होगा, मे बी टाइम लगे बट होगा। बट दैट वॉज अ वेरी टफ पीरियड फॉर मी, दोस 5 years टिल 2014 वॉज एक्सट्रीमली टफ। पैसे होते नहीं थे, काम कम मिलता था। पहले ऐसा नहीं था कि यूट्यूब की तरह 50 कंपनीज है जहां पर आप रिज्यूमे डाल लो कहीं ना कहीं जॉब कर लो। पहले आज अगर हमने प्रोजेक्ट किया है तो उसका पैसा 6-7 महीने बाद देते थे, तो मिला ही नहीं है मेरे को। तो इट वॉज ओनली वेन आई वॉज इंट्रोड्यूस्ड विद टीवीएफ इन 2013, तब मेरे को लगा कि चलो यार अब थोड़ा बेहतर हुआ है लाइफ। अब एक तब बिंदास के लिए हम शो कर रहे थे टीवीएफ में, अच्छा अब वो शो खत्म किया, मैंने कहा चलो अब तो लाइफ ठीक हो जाएगी, लेकिन फिर एक बहुत मेजर हेल्थ इश्यू हो गया। और फिर मेरे को एक्चुअली बॉम्बे में कोई था नहीं, मैं अकेले रहता था, मम्मी पापा नैनीताल हल्द्वानी शिफ्ट हो गए थे, तो फिर मेरे को वापस आना पड़ा क्योंकि पापा ने बोला कि यहाँ इलाज करवाएंगे बिकॉज वी कैनॉट कम टू बॉम्बे, वी डोंट हैव एनी। तो फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया, लेकिन जब दिल्ली शिफ्ट हुआ ना तभी मेरे को लगा कि ओ शिट क्या किया मैंने, दिल्ली की शिफ्ट हुआ मैं, और वो एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हुआ लाइफ में कि यार ये सैड है यार, ये मेरे को वहीं जाना है। और फिर कुछ भी टीवीएफ का रिलीज होता था मेरे को लगता था शिट यार आई वाज सपोज टू बी पार्ट ऑफ इट, और वो बहुत बुरा लगता था। बट देन हुआ 6-7 महीने कुछ कुछ देखा दिल्ली में भी, और कुछ नहीं वर्क किया है, मैंने कहा ये मेरे से नहीं हुआ है। लेकिन फिर पापा ने बोला कि तू आईएएस की तैयारी कर ले, यू डन ग्रेजुएशन। और मैंने कहा चलो ठीक है, तो कुछ था भी नहीं तो मैंने कहा ठीक है लेट्स ट्राई इट फॉर आई। और फिर वो 1 साल भाई एक्चुअली मैंने मूव ऑन करके ना बहुत भयंकर पढ़ाई, मतलब वो कहते हैं ना जान झोंक देने वाली जिसमें दाढ़ी बढ़ जाती है, जो एक्चुअली कहानी सुनते हैं ना, वैसी पढ़ाई करी है यार मैंने। और मैंने कहा नहीं निकालना है क्योंकि अब मैं ऑलरेडी 5 साल 6 साल बर्बाद कर चुका हूँ यार, अब मेरे पास, और तब मेरी एज क्या होगी, आई वॉज 25। तो मैंने कहा कि नहीं यार मेरे को क्रैक करना है, इतने साल और पैसा कमाया नहीं, 25-26 साल तक 1 रुपया नहीं कमाया था मैंने, तो निकालना है। जब वो एग्जाम दे के आया तो मेरे को ऐसा लगा था मैंने प्री क्लियर कर दिया है, क्योंकि मेरे को रियलाइज हो रहा था कि शायद मैंने आंसर सही लिखे हैं, लेकिन जब रिजल्ट आया तो झंड हुआ ही नहीं था, रह गया नंबर मेरे भी। एक्चुअली 3 मार्क्स से एग्जाम रह गया था प्री। तो फिर मैंने कहा यार ये बहुत सैड हो गया, उस दिन मेरे को बहुत बुरा लगा जेन्युइनली। आई थिंक इफ आई हैड एवर क्राइड इन लाइफ फॉर अ करियर ना, इट वॉज देन, क्योंकि उस टाइम पे ना फिल्म लाइन बची थी ना यूपीएससी बचा था, और वो एक्चुअली टोटल फेलियर फील था भाई, और कंप्लीट फेलियर था। फिर उसके बाद जब वो कहते हैं ना कि जब लोएस्ट पहुंची जाओ तो फिर उसके बाद राइज ही करते हो आप, उससे नीचे नहीं जा सकते आप। और फिर उसके बाद अरुण आपका फोन आया और टीवीएफ से कुछ लोगों के फोन आए कि यार प्लीज हम दिल्ली में भी खोल रहे हैं तू ज्वाइन कर ले। तब मेरे को लगा कि शायद ये अपॉर्चुनिटी सही है, लेकिन मैं घबराहट में था, मैंने कहा कि नहीं यार ये इंडस्ट्री ने मैं बहुत अनसर्टेनिटी है, फिर से मैं उसी 5 साल के विशेष सर्किल में नहीं घुसना चाहता कि पैसे नहीं मिल रहे हैं, काम करो पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो एक मेरे कजिन है और पापा, उन्होंने कहा कि नहीं यार ये शायद ये ऐसे मौके नहीं आते कि तू दिल्ली से ही काम करेगा इस इंडस्ट्री के लिए, लोग बॉम्बे भागते हैं, आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। और मैंने वो फिर भगवान की दुआ थी कि मैंने वो डिसीजन ले लिया कि चलो, और फिर आज सामने ही है। भाई उसके बाद टाइम लाइनर्स की शुरुआत हुई, फिर टाइम लाइनर्स के बाद हमने कैसे आम आदमी फैमिली बनाई, बहुत लंबी कहानी है, इट्स अ सेपरेट, वो ऐसी कहानी है कि कोई पढ़ने आएगा तो उसको बता देंगे, लेकिन इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी। बट हाँ मतलब मेरे को लगता है कि स्ट्रगल्स का सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि यू कैन एंजॉय इट लेटर, एंड वो मच्योर तो करती है यार आपको, बहुत एक्सपीरियंस ह्यूमन बीइंग बनाती है इमोशनली भी और वैसे भी। ये है दोस्त आपकी लाइफ एक वेब सीरीज लग रही है मुझे यार, इट्स लेकिन मेरे को लगता है कि वो अच्छी चीज है। देख मैं हमेशा ही लोग कई लोग मेरे पास आते हैं और मैं बोलता भी कि यार आई थिंक नोबडी शुड फियर स्ट्रगल, क्योंकि आने हैं, देखो लाइफ का पार्ट है, इट विल कम इवेंचुअली, किसी की जिंदगी में पहले आते हैं, किसी की लाइफ में बाद में आते हैं, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। किसी की जिंदगी में करियर्स को लेके स्ट्रगल्स होते हैं, किसी की जिंदगी में फाइनेंशियल स्ट्रेसेस होते हैं, स्ट्रगल्स रहेंगे, कोई पर्सनली, कोई हेल्थ, देर आर सो मेनी फॉर्म्स ऑफ स्ट्रगल्स दैट पीपल आर डीलिंग विद।
तो शायद मेरी लाइफ में इट केम इन द फॉर्म ऑफ करियर, और करियर के फ्रंट पे जितने भी स्ट्रगल रहेंगे तो वो रहने हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार आई थिंक उसको ना बहुत एम्ब्रेस करने की जरूरत है, बिकॉज और बहुत ही ब्यूटिफुली एम्ब्रेस करने की जरूरत है और एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि चलो ठीक है, नाउ इट्स स्टार्टेड, और जब जब लाइफ में संघर्ष रहेगा तब तब उसका एंड रिजल्ट अच्छा होगा। यू हैव टू बिलीव इट, बिकॉज वो आएंगे और जब जाएंगे तो उससे कहीं ज्यादा देखे जाए। तो दैट इज व्हाट आई फॉर्मली बिलीव इन, कि बिकॉज स्ट्रगल्स कम बिकॉज दे हैव टू लीव गिविंग बैक यू अलॉट, अदरवाइज वो आएंगे ही नहीं। तो यू विल हैव टू एम्ब्रेस स्ट्रगल्स इन लाइफ। आपने बोला कि आपने जब यूपीएससी के लिए पढ़ाई करी थी तो एकदम लगा के करी थी, हाँ उसका यार, सीरीज में क्या इफेक्ट आया? मतलब बिकॉज अगर तुम खुद आई इस थिंक जगह से आते हाँ हो तो कैसे, लाइक वो ट्रांसलेट कैसे हुआ सीरीज में? यार, ये अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज जब मेरे पास स्क्रिप्ट आई थी ना, हैविंग सेड दैट, स्क्रिप्ट वाज ऑलरेडी वेरी ब्यूटिफुली रिटन, ठीक है, क्योंकि दीपेश ने बहुत रिसर्च करी थी। दीपेश की रिसर्च उस लेवल की थी कि दीपेश यहाँ आकर राजेंद्र नगर के कमरों में स्टूडेंट से मिला है, कई स्टूडेंट से इंटरव्यूज लिए हुए हैं, देवर वाइल वी वर शूटिंग कई सारे स्टूडेंट सेट पे भी आते थे कि सर दीपेश ने हमको वो रिसर्च करने के लिए, दीपेश सर ने हमसे पूछा था, तो वैसे इंसिडेंट्स भी हुए शूट पे। तो दीपेश ने बहुत इंटरव्यूज देखे, कई घंटे की तैयारी करी। मेरे को लगता है दीपेश अगर उतना पढ़ता ना तो यूपीएससी क्लियर कर चुका होता दीपेश। तो वो स्ट्रगल करी है दीपेश ने मेजरली, लेकिन वो एक कहते ना कि एक पर्सनल एक्सपीरियंस इज अ पर्सनल एक्सपीरियंस, नोबडी कैन लिव इट फॉर यू। तो वो जब मैं आया तब मैंने फिर दीपेश से बोला कि यार देर आर सर्टन थिंग्स दैट वी कैन डू इट, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट, अगर बिकॉज तूने वेब शो देखा हुआ है तो मैं बताता हूँ तेरे को, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि आईएएस क्यों बनना चाहते हो। तो इट हैपेंड विद मी पर्सनली ऑल्सो कि तुम क्यों बनना चाहते हो। तो फिर दीपेश से मेरी बात हुई, दीपेश ने कहा ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको इस तरीके से देखो, लिखने वाला दीपेश है, आई कैन जस्ट पॉइंट इट आउट, आई के नॉट राइट। तो अल्टीमेटली द क्रेडिट गोज टू दीपेश, बट मेरे आने से ये फायदा हुआ कि आई कुड पॉइंट आउट दीज थिंग्स कि यार ये करते हैं, ये ना बहुत रिलेटेबल है, जैसे हर जने की लाइफ में जो आईएएस दे रहा है उसको बहुत जरूरी होता है कि यार मैं क्यों देना चाहता हूँ, बिकॉज इफ यू डोंट नो इट यू विल नॉट सक्सीड, यू हैव टू बी नोइंग इट। और मेरे को ये पता था कि मैं आईएएस नहीं बनना चाहता हूँ तो मैंने सक्सीड नहीं किया, आई वॉज गिविंग इट बिकॉज आई हैड नो अदर ऑप्शन, ठीक है। तो कुछ इस तरह के पॉइंट्स थे। फिर पॉजिटिव अप्रोच की, जैसे हमारी तो क्लासेस होती थी, जो मेरे सर थे वो क्लासेस भी लेते थे कि कितना जरूरी है, तो वो कैसे कैसे गड्ढे भरने वाला सीन हमने उस अप्रोच के साथ कनेक्ट किया। उसके बाद जितने जो जो रूम्स की डिटेलिंग आप देखते हो वो फिर मैंने ऐड करवाई, कौन सी बुक्स लानी है, कौन सी बुक्स के हम शॉर्ट्स लेंगे, कौन सी हाईलाइट्स करेंगे, वो एडिशन हुए। स्टडी मोन्टाज में वो क्या क्या पढ़ेगा, ये एडिशन थे। कई सारे डायलॉग्स में हमने टेक्निकल चीजें डलवाई जो हम लोग डिस्कस करते थे अपने टाइम में यूपीएससी की तैयारी के टाइम पे, वो सारी चीजें एडिशन हुई। तो आई थिंक, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत फायदा हुआ, लेकिन बट वो जो एक इमोशनल टच होता है ना वो मैं ला पाया, एंड स्पेशली जब वो फोर्थ एपिसोड का एंड में जो बारिश वाला सीक्वेंस है, तो वो आई नो यार, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दोज इमोशंस ना, तो आई नो हाउ टू टेक दैट। तो वो सारी चीजें ऐड होती हैं यार, बट इफ यू लिव दैट लाइफ। हालांकि फॉर फिल्म मेकर्स ये जरूरी नहीं है, इट्स नॉट, ये तो सोने पे सुहागा वाली बात थी, थिंग्स वर हैपनिंग फॉर अस, सो इट हैपेंड दैट वी फाउंड अ डायरेक्टर जिसने यूपीएससी किया हुआ है। फॉर फिल्म मेकर्स एंड फॉर क्रिएटिव पीपल, अब बैंक पे रॉबरी की फिल्म बन रही है तो जरूरी थोड़ा ना आप बैंक चोरी करोगे पहले एक्सपीरियंस लेने को, नहीं है ना जरूरी। तो इट्स नॉट बिल्कुल नेसेसरी ऑल्सो, इट जस्ट इट वॉज एन एडेड एडवांटेज। और उसके बाद तो फिर डायरेक्शन तो यार एक अलग स्किल है जो मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीखी है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप करी है, अदरवाइज तो हाँ यही शायद बेनिफिट्स होंगे मेरे एडिशन के। रेन सीन पे तो डेफिनेटली आएंगे, बट उससे पहले एक जनरल मुझे एक सवाल जो पूछना था आपसे वो ये था कि एक राइटर और डायरेक्टर काम कैसे करते हैं, और रोल्स, मतलब क्या एक राइटर का रोल खत्म हो जाता है सीरीज से पहले, या फिर इवन द प्रोसेस कैसे वो, मतलब साथ साथ काम कैसे चलता है एक सेट पे और जब शो चल रहा होता है? यार दो चीजें होती हैं, देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। पहले आई डोंट नो यार, देख आई डोंट नो हाउ बॉलीवुड वर्क, आई रियली डोंट नो, बट टीवीएफ में एक चीज बहुत अच्छी है जो हम शुरुआत से फॉलो कर रहे हैं, दैट वी ट्रीटेड
राइटर्स अबव एवरीथिंग, क्योंकि वो किंग है। और दूसरी चीज ये है कि देख, राइटर और जो डायरेक्टर की जोड़ी होती है ना, वो काम पर्सनली इट्स अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। इट्स दूसरी एक पहले ये चीज समझना है कि वो दो अलग अलग जॉब है। फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू अ वेरी वेरी बेसिक एग्जाम्पल, दिपेश राइट की आर की अभिलाष का इंटरव्यू में नहीं होता है। अभिलाष का जो प्री का रिजल्ट आया है ही इज शॉक्ड, उसका नहीं हुआ है। ही फाइंड्स आउट दैट उसका नहीं हुआ है, ही इज शॉक्ड, सुपर शॉक्ड। एंड वी सी दैट टीयर्स आर फ्लोइंग फ्रॉम हिज आईज, एंड वी सी दैट ऑल इज हार्ड वर्क हैज गॉन इन वेन। दिस इज वॉट अ राइटर विल राइट इन दिस स्क्रिप्ट। नाउ एज अ डायरेक्टर, इफ यू गेट दिस सीन, अब इसके ऊपर माहौल बनाना ना आपका काम है। फर्स्टली कि क्या किस सिनेरियो में हम शूट करेंगे, कैसा सेटअप होगा, किस जगह ये सुंदर लगेगा सीन, बिकॉज इट्स अ ब्यूटिफुल सीन, इट इज डिपिक्टिंग फेलियर। और फिर उसके बाद स्लो मोशन शूट करेंगे, नॉर्मल शूट करेंगे, या थर्ड है कि सबसे जरूरी है कि क्या एक्सप्रेशन रहेगा फेस पे, वो भी एक डायरेक्टर को डिसाइड करना होता है एक्टर के साथ मिलके, कि नहीं इतना रोना है कि इतना रोना है, मिड वाला रोना है। इट इज बेटर इफ अ डायरेक्टर कैन क्राई एंड शो इट टू द एक्टर कि यार इस तरीके से कुछ इस जोन के अराउंड मैं चाहता हूँ ये रोना अच्छा लगेगा। देन कॉस्ट्यूम, तो ये राइटर ने उतना लिखा प्लस अ लॉट ऑफ ब्यूटिफुल डायलॉग्स, लेकिन जो जो उसको वीव करके जो आपको स्क्रीन पे लाना है ना, दैट इज अ डायरेक्टर्स जॉब। तो राइटर का जॉब खत्म, देख टेक्निकली यस फिनिश हो जाता है जब वो स्क्रिप्ट लिख लेता है, बट बिकॉज वी आर फ्रॉम टीवीएफ तो हमारे लिए क्या होता है, राइटर्स के इनपुट बहुत जरूरी होते हैं। तो हम लोग हर सेट पे राइटर्स मैंडेटरी होते हैं हर सेट पे। अनफॉर्चुनेटली दीपेश इस सेट पे नहीं था बिकॉज उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, तो ये राइटर के किया है। अदरवाइज हमारे हर सेट पे राइटर्स मैंडेटरी होते हैं बिकॉज डायरेक्टर और राइटर एक दूसरे कहते हैं सही लग रहा है तेरे को, हाँ सही लग रहा है, अच्छा ऐसे ही सोचा था ना तूने, ये जो इमोशन तू सोचा था यही सोचा था ना। तो वो कॉन्स्टेंट एक डिस्कशन का पार्ट है, कॉन्स्टेंट एक प्रोसेस का पार्ट है हमारे वहां। बाहर ऐसा नहीं होता, बाहर राइटर ने दे दी, ये लो भाई मेरा काम हो गया, देख। आपको लगता है ये कोलैबोरेशन से आपको फायदा हुआ टीवीएफ में? यार देख मेरे को तो फायदा अच्छा ही लगता है, क्योंकि मेरे को लगता है कि अ फिल्म और अ शो इज नॉट मेड बाय वन पर्सन। वो नहीं है, वो जब तक आप सोचते रहोगे ना आप अच्छा आउटपुट नहीं दे पाओगे। फॉर एग्जाम्पल इसका मैं बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल अगर तेरे को दूं तो, हाँ जैसे सनी सनी हिंदुजा वाला जो सीन है जिसमें वो कहता है आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इनिशियल पार्ट ऑफ स्क्रिप्ट का वो पार्ट नहीं, ठीक है। अब देखिए ये जो प्रोसेस का बेनिफिट है ना, बोथ वेज है। तब मैंने दीपेश को बोला कि यार इतना अच्छा कैरेक्टर है, लेट्स टेक हिम मोर डीपर, क्यों ना हम इसको ऐसा दिखाएं कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि यार अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग थ्रू दैट इन द कंट्री, जिनके पास पैसे नहीं है कोचिंग करने के। तो फिर दीपेश ने कहा अरे बहुत अच्छा आइडिया है, इसको रखते हैं। और सनी ने भी कहा कि यार आई कैन पुल इट ऑफ वेरी नाइसली, तो इससे दीपेश को फायदा हुआ। अब ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं जो जब मैंने एडिट भेजता हूँ तो दीपेश बोलता है कि आपको यार ये ऐसे सोचा था, देखो एक बारी करके इम्पैक्ट आएगा। अब यार आपके ऊपर है और आपकी ईगो के ऊपर है कि यू कैन इजिली शट दैट ऑफ, बिकॉज डायरेक्टर बहुत सारी कॉल्स डायरेक्टर के पास होती है शो में, ही इज द कैप्टन ऑफ द शिप। तो अगर आप मना करना चाहते हो आप मना कर सकते हो, बट आपको वो इतना ओपन रहना पड़ेगा कि एक सेकेंड यार करके देखता हूँ पहले, क्या पता अच्छा लगे। तो शो बेहतर बनने से मतलब है ना, आपकी ईगो, आपको ईगो सेटिस्फाई नहीं करनी, ईगो मसाज नहीं करनी, आपको शो बेहतर बनाना है। अगर वो दीपेश से आ रहा है वो दीपेश से आए, वो तेरे से आ रहा है इनपुट वो तेरे से आए। एंड और हमारे वहां तो इतना ब्यूटीफुल कल्चर है कि जब स्क्रिप्ट का नरेशन होता है ना, तो हम आर्ट डायरेक्टर, असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर, कॉस्ट्यूम असिस्टेंट सबको बुलाते हैं नरेशन सुनने के लिए, क्योंकि क्योंकि उन्होंने भी कहीं ना कहीं कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो बता सकते हैं नहीं यार ये ऐसे नहीं होता है शायद, और मैंने तो ऐसे एक्सपीरियंस किया है। तो वो आई थिंक इट्स अ कोलैबोरेटिव एफर्ट और उसका बहुत फायदा हुआ है टीवीएफ को हमेशा। इट्स नॉट अ वन मैन जॉब। बिल्कुल 100%। मैं जैसे मुझे याद है मैंने टीवीएफ पिक्चर्स की मेकिंग देखी थी, उसके अंदर मेकिंग जो शुरू होती है उस वीडियो की, वो शुरू ही उससे होती है कि एक रूम पे पूरी टीम बैठी है एंड द राइटर स्टार्ट्स नरेटिंग द स्क्रिप्ट। तो वो कमाल, मुझे याद है एवरीबडी स्टार्टेड हूटिंग व्हेन ही सेड कि टीवीएफ ड्रामा लिखा आएगा एंड देन पिक्चर्स लिखा आएगा। सो तब से मुझे याद है, तब से इनफैक्ट इन माई टीम एज वेल, मैं भी जब भी कुछ भी करना होता है मैं सब लोगों को बुला लेता हूँ, ताकि क्योंकि मुझे हर कोई ना अलग अलग चीज़ों से मोटिवेट होता है
एंड इंक्लूशन जब तुम करते हो लोगों का, आई फील दैट्स अ वेरी मोटिवेटिंग थिंग इन द टीम व्हेन यू इंक्लूड एवरीबडी इन दीज लिटिल प्रोसेसेस. बिल्कुल यार, आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ योर ग्रोथ एज वेल. और देख, अगर मैं सिर्फ अपने ग्रोथ के बारे में सोचूंगा ना, आई विल बी नॉट ग्रोइंग देन. बिकॉज क्या होता है कि यार, जो मेरे साथ काम करने आ रहे हैं ना, उनकी ग्रोथ का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है. बिकॉज इवेंचुअली वो कहते हैं ना, नॉलेज ग्रोज व्हेन इट इज शेयर्ड. सो आई विल ओनली बिकम अ बेटर डायरेक्टर इफ आई कीप टेलिंग देम कि यार, ऐसे मैंने ये सीन सोचा हुआ है, तुम बताओ, तुम अपने इनपुट्स दो. अब जब आप उनको सिखा रहे हो ना, तो व्हाट इज हैपनिंग दैट फर्स्टली द ट्रस्ट लेवल इज बिल्डिंग. आप जो आपके टीम मेंबर्स हैं वो कहते हैं कि नहीं यार, ये सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, हमको भी सिखाते हैं. सेकेंडली व्हाट इज हैपनिंग इज कि आप कभी एक ट्रिकी सिचुएशन में जब आप सेट पे फंसे होगे ना, विच हैपेंस मोस्ट ऑफ द टाइम इन बिगर शूट्स, तब आपकी टीम आपको हेल्प करने आएगी. अरे सर, आप टेंशन के लिए कैसे करते हैं ना, वो याद है ऐसे करना था. दिस हैपेंस. द मोर योर टीम ग्रोज, द बेटर इट इज फॉर यू एज अ लीडर. They will always come for your rescue. They will always be standing with you. और shoot line में तो हमेशा होता है कि schedule overtime जाएगा ही जाएगा, हमेशा होता है ऐसा. और मेरे shoots में with God's grace, with my team beside me, आज तक इतने साल हो गए, आज तक कभी overtime नहीं किया हम लोगों ने shoot. एक चीज पिक करूंगा, आप जब मुझे पूरी जो स्टोरी बता रहे थे, मुझे दो चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग लगी. पहली तो ये कि आपने कहा कि आप एक्टर्स को रो के दिखाते हो, एंड बिकॉज आई यूज टू रिलीजियसली फॉलो टाइमलाइनर्स, आई हैव सीन यू एक्ट एंड यू एक्ट रियली वेल. तो और आपने मुझे ये बताया कि आप कैसे सेट में कहीं रोल्स प्ले करे आपने, यू नो, एकदम बेसिक रोल से लेके नाउ द डायरेक्टर. तो वो कितना हेल्प करे आपको जर्नी में, उस कम्युनिकेशन में, और कितना जरूरी है वो? यार वो तो आई थिंक इट हैज हेल्प्ड इन द मोस्ट. बिकॉज क्या होता है कि यार, अनलेस एंड अंटिल यू पिक अप कैमरा, जो हैवी कैमरा ट्राइपॉड होते हैं ना, एक्चुअली भारी होते हैं वो, आपके नॉर्मल फोन ट्राइपॉड्स की तरह हल्के नहीं होते. तो आपको क्या होता है कि कई लोग बहुत चिल्लम चिल्ली करते हैं सेट पे कि जल्दी क्यों नहीं ला रहा है, जल्दी लेके आना. आई थिंक व्हाट हैज हेल्प मी मोस्ट इज कि यार, इट हैज मेड मी पोलाइट फर्स्टली, एंड इट हैज हम्बल्ड मी डाउन टू द वेरी कोर. बिकॉज आई नो कि सुन भाई, जितना एक इंसान को वहां से यहाँ लाने में टाइम लगेगा ना ट्राइपॉड, उतना ही लगेगा. क्योंकि मैंने उठाया है ये पहले, मेरे को पता है. तो बिकॉज आई हैव फेल्ट इट माई सेल्फ, आई कैन नॉट शाउट ऑन दैट इंडिविजुअल एंड टेल देम कि जल्दी ले गया. शायद अगर मैं भी उठा रहा हूँ ना, उतना ही टाइम लगेगा. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक इट हैज मेड मी अ बेटर ह्यूमन. इट हैज ऑल्सो हम्बल्ड मी, एंड it has also given me a wisdom ki nahi yaar, I cannot really shout on people because everybody is doing their job. Aur ek time mera tha jab main tripod uthata tha ya light maine idhar se udhar shift kari hai, aaj main director hu, kal aaj ye jo not that it's a bad job, it's a beautiful job in itself. Ki yaar, camera uthana bhi utna hi beautiful kaam hai jitna action bolna kaam hai. But kal ki date mein jo aaj camera utha rahe hain, kal ki date mein wo bhi director honge bhagwan ki dua se. So it has given me that ek achhi cheez mere ko di hai, mere ko aisa lagta hai, that experience. Nothing else, nothing philosophical, but it has made me a better human. Ek set pe आपका माइंडसेट क्या होता है? जैसे आपने बोला कि इन सब चीज़ों से आप में एम्पथी आई, कि आप समझ पा रहे हो कि दूसरा बंदा कैसे फील कर रहा होगा, आपने करी भी हुई है, बट एक माइंडसेट क्या रहता है? क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता होगा, आई एम श्योर, कि स्केड्यूल है, पैसा भी लगा होता है, एंड किस माइंडसेट से अप्रोच करते हो आप हर सेट को? यार मैं तो थोड़ा ज्यादा ही पॉजिटिव हूं, मतलब तो मेरे को तो लगता है कि आई डोंट वरी अबाउट इट. अच्छा, मेरे लिए ना बहुत लाइफ में जरूरी है कि मैं उस माइंडसेट को, नॉट जस्ट शूट, आई टेक इट इन लाइफ आल्सो, दैट यार जो होता है ऊपर वाले की मर्जी से होता है. एंड आई प्रे अलॉट, आई मेडिटेट अलॉट, और मैं स्पिरिचुअल भी हूँ, तो भगवान की दुआ से थोड़ी सी भगवान ने भी मेरी मदद करी हुई है. तो मैं ना ज्यादातर चीजें भगवान पे छोड़ देता हूँ कि ठीक है, अब आप देख लेना. उस एटीट्यूड से मेरे को क्या हुआ ना, मेरे अंदर वो एंग्जाइटी खत्म हो गई कि क्या होगा, शूट खत्म नहीं होता, ठीक है. और मैं वो बोलते भी, अरे हो जाएगा ना, हो जाएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो यार, करने ही तो आया, नहीं भी होगा तो कल कर लेंगे. तो आई जनरली डू नॉट क्रिएट दैट एंग्जाइटी और डू नॉट क्रिएट दैट स्ट्रेस अराउंड इन द शूट, बिकॉज आई नो कि अगर मैं ही स्ट्रेस ले लूंगा तो पूरी टीम स्ट्रेस में आएगी. तो वो आई थिंक आई हैव प्रैक्टिस्ड इट सो मच कि अब वो लाइफस्टाइल का पार्ट भी बन गया है. और वो अब टीम को भी समझ में आता है कि यार एंजॉय करने वाले हम तो शूट पे, मजा आता है. एस्पिरेंट्स का शूट बहुत एंजॉय किया है हम लोगों ने,
वी डिडंट वांट टू एंड दैट शूट, अदरवाइज क्या होता है कि 27वें दिन 28वें दिन आपको लगता है कि ओ यार खत्म क्यों नहीं हो रहा यार, एंजॉय करना है, घर जाके रिलैक्स करना है. लेकिन एस्पिरेंट का शूट ऐसा था कि यार नहीं यार अभी 10 दिन और चिलना चाहिए था. वी एंजॉयड इट सो मच एक्चुअली. पूरी एनर्जीज जो थी ना, एक्टर्स ले लो आप, नवीन, अभिलाष थपलियाल, सनी, नमिता, शिवांकित, कहीं ना देख क्या होता है कि सब ना अपने अपने लेवल पे मच्योर्ड है. दे हैव देयर ओन, दे हैड फॉट देयर बैटल्स. नवीन ले लो, संदीप ले लो, पांचों में से किसी को भी ले लो, सब एक लेवल ऑफ एक मच्योर्डनेस रीच कर चुके हैं, एक एक्सपीरियंस के साथ आते हैं, 10-10 साल के एक्सपीरियंस के साथ आते हैं, विच इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस. ठीक है, सबने अपने स्ट्रगल्स देखे हैं, तो एक ना पहले तो एक सेंस ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट वैसे ही आ जाती है कि नहीं यार, he's fought his own battles, I fought mine, let's mutually respect each other. सेकेंडली क्या होता है ना कि दे नो, क्योंकि अभी तक किसी का इतना फूटा नहीं था देखो, ये बहुत बड़ा फैक्ट है. ऑल ऑफ अस वर लुकिंग फॉर दैट वन ग्लीम अपॉर्चुनिटी कि हमारा शो इंटरनेट में फूट जाए. ठीक है, जैसे बाकियों का फूटता है. तो जब आप कंबाइंड एनर्जी के साथ आते हो ना सेट पे, इस होप के साथ कि यार ये शो में हमें लगता है कि ये शो हमारे लिए टर्निंग पॉइंट होगा, देन दैट एनर्जी इज सो हाई ना, सो हाई कि फिर चीजें अपने आप होने लग जाती है. एंड इट इज सो इम्पॉर्टेंट टू कीप द एनर्जी हाई, दिस इज व्हाट आई फील. क्योंकि आप सल्क करोगे, आप टेंशन लोगे, अब आप आज अगर बारिश हो गई तो ना आपकी गलती है वो, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आप रोके भी उसको, बारिश को रोक नहीं सकते, आप हंस के भी नहीं रोक सकते. तो आप इससे अच्छा हंसी लो ना, फिर रोना क्यों है ना. उसमें मेरे को प्रोड्यूसर कुछ कह सकता है कि यार यार बारिश क्यों हो गई, तो वो तो मैं नहीं बता सकता, तो आप टेंशन में किस बात के हो. आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू एंजॉय ऑल्सो. जैसे मैं ना नवीन को हमेशा बोलता हूँ, नवीन हैज स्टार्टेड यूजिंग दिस डायलॉग इन हिज पॉडकास्ट एज वेल नाउ, और मैं बोलता हूँ कि यार सिंसियर रहना बहुत जरूरी है, सीरियस रहना जरूरी है. And there's a huge difference. Sincerity से करना है काम, sincerity से मेहनत करनी है, sincerity से आपको दूसरों की इज्जत करनी है, बट आपको serious नहीं रहना दोस्त यार, because जहां आपने serious हो गए फिर आप सल्क ही करने लग जाओगे. क्योंकि क्या होता है ना, फिर आपको सिर्फ results की परवाह रहती है serious होकर. Makes sense. वो है. बारिश की बात करी आपने, थोड़ा सा serious scenes हैं दोस्त, जो आई थिंक दो ऐसे सीन जिन्होंने मतलब आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, मैं इसी चेयर पे बैठ के शो देखा है और मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे. मैं 1 बजे अपना लंच कर रहा हूँ शो के साथ, जब 5वां एपिसोड, और इन दो सीन को देख के ना मुझे था कि भाई ये क्या हो गया. और पहला जो सीन था वो जब उनके इंस्टीट्यूशन में वो IAS ऑफिसर स्पीच देने आती है और SK खड़ा होता है कि वो पत्थर उछाल के, तो देखो यारो उस सीन पे ले जाओ मुझे सेट पे, और वो क्या था माहौल, कैसे था, आपने वो कैसे विजुलाइज करा, वो पीस बाय पीस कैसे बना था वो सीन. यार देख क्या होता है ना यार, किसी भी सीन के पीछे there are lot of things that you have to think as a director. सिर्फ शॉट लगाने से सीन नहीं बनता, एक तो ये चीज है, ये बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि जस्ट बिकॉज आप एक दो चीजें बहुत कॉमन एरर जो मैंने सब में देखी कि स्टाइलाइज करने लग गए हैं आजकल के यंगस्टर्स, कि अगर स्टाइलाइज शॉट लेंगे तो सीन अच्छा ही बनेगा. आई थिंक दैट इज नॉट नेसेसरी. आप ट्राइपॉड पे भी उतना सुंदर सीन निकाल सकते हो कि आपने सोचा भी नहीं होगा. जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल है दैट सीन, आर्थिक स्थिति ठीक ना हमारी, जब संदीप भैया बोलते हैं, वो ट्राइपॉड सीन है. तो आपको क्रेन शॉट या आपको दुनिया भर के इक्विपमेंट नहीं चाहिए अच्छा सीन बनाने के लिए, पहली चीज तो वो है. दूसरी चीज वो है कि यार you have to really understand the emotions that are happening behind the character. For example, जब हम उस सीन की तैयारी कर रहे थे ना, तो we always wanted, देखो पूरा शो जो है वह अभिलाष के perspective से है. ठीक है, it is अभिलाष's journey. It is वो और किसी की journey नहीं है, और सारे उस journey का part जरूर है. ठीक है, तो हर चीज हम चाहते थे कि अभिलाष की journey से दिखे पहले. इसलिए अगर मैं उस शीट पे तेरे को ले जाऊं, इफ आई टेल यू द शॉट एग्जैक्टली, तो जब बच्चे मैडम से सवाल पूछ रहे हैं ना, खड़े होके मैम से सवाल पूछ रहे हैं ना बच्चे, स्टेज पे खड़ी हैं, एवरीवेयर द कैमरा डी फोकस एंड फोकस ऑन नवीन, हमेशा फॉलो फोकस पे जाता है पीछे. उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि वो जितने सवाल पूछे वो नवीन के अंदर चल रहे होते हैं, अभिलाष के अंदर वो चल रहे थे, वो सेम सवाल चल रहे थे. इसलिए एवरी टाइम अ स्टूडेंट स्टैंड्स एंड आस्क्स द क्वेश्चन, वी ऑलवेज
यू द एंगल वॉज सच कि हमेशा पीछे अभिलाष दिखता है हमेशा। ठीक है, एक तो ये चीज है। दूसरी बात यह है कि इसलिए एक उनको ना हमने ऊंचाई पे भी इसलिए खड़ा कराया बिकॉज ताकि एक पर्सपेक्टिव मिले। जब हम ऊपर से खड़ा करवा के दिखा रहे थे ऑडियंस को, तो हम हमेशा ये सिम्बॉलिकली वी वॉन्टेड टू टेल दैट दिस इज नवीन स्टोरी, दिस इज नॉट एनीबडी स्टोरी। ठीक है, थर्ड वाह थर्ड जैसे उसी सीन का एक बहुत बहुत अच्छा वो है कि पूरे शो में इफ यू लुक वेन एवर नवीन इज रियलाइजिंग समथिंग, सॉरी अभिलाष, मैं नवीन नवीन इतना बोल चुका हूँ, तो अभिलाष जब जब कुछ रियलाइज कर रहा है तब तक कैमरा इज ऑलवेज मूविंग फ्रॉम बॉटम टू अप। इट इज ऑलवेज दिस वेरी स्लो मूवमेंट लाइक दिस, और जब भी वो परेशान है ना इट इज ऑलवेज लाइक दिस, इट इज वेरी माइन्यूट, यू हैव टू लुक एट इट वेरी केयरफुली। तो थ्रू आउट द शो द कैमरा इज फॉलोइंग अभिलाष वेरी क्लोजली, जब जब जा रहा है, इवन द पैन इज हैपनिंग वेरी स्मूथली, सब कुछ बहुत प्यार से हो रहा है। वो उसका एक रीजन था, वी नेवर वॉन्टेड पीपल टू लीव अभिलाष, वी ऑलवेज वॉन्टेड टू टेल दैट दिस इज अभिलाष स्टोरी। तो वो है। उसके बाद यार, उसके बाद एक सिर्फ शॉर्ट्स ही नहीं होते, नथिंग वर्क्स इन आइसोलेशन इन फिल्म और इन वेब शोज। म्यूजिक हो गया, लाइटिंग हो गई सिनेमेटोग्राफी की, इट प्लेज अ मेजर रोल कि किस तरीके का आप मूड सेटअप करना चाह रहे हो। अब सेम अगर आप संदीप भैया का सीन देखो, तो वी सेटअप वेरी डार्क लाइटिंग, क्योंकि वो सीन थोड़ा डार्क है, वो सीन थोड़ा ग्लूमी है, थोड़ी सैडनेस है इस सीन में, बट इस सीन में हमने दोनों विंडोज से, बिकॉज इट्स एन इंस्पिरेशनल सीन, हमने पूरी लाइट पे की हुई है। सो अ लॉट डिपेंड्स ऑन द लाइटिंग एज वेल। यू इफ यू वॉन्ट टू इंस्पायर समबडी यू हैव टू मेक इट वेरी वेरी कलरफुल, वेरी ब्राइट, और खुशी हो आपके फ्रेम में भी दिखना चाहिए वो पॉजिटिविटी। तो इसलिए वो उनके पीछे से हम कैमरा लेते हैं, मैम के पहला कैमरा मैम के पीछे से लेते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल बोल्ड कैमरा एंगल, एंड यू डोंट यूज बोल्ड कैमरा एंगल्स जब आपको डिप्रेशन दिखाना है या सैडनेस दिखानी है। सो दिस इज हाउ यू शूट अ सीन, ये सोचते हुए कि कैरेक्टर्स किस चीज से गुजर रहे हैं, हर कैरेक्टर की एक जर्नी है, आप किसी पे एक ऐसा एंगल मत लगाओ जो उस कैरेक्टर को अब जैसे आई विल नेवर यूज अ वेरी लो एंगल कैमरा ऑन ऑन एस के, आई के नॉट यूज। जो जो आपने अभिलाष का सीन बस अड्डे पे देखा था जब स्लो मोशन वॉक है, करेक्ट, रिमेंबर, इट्स अ ब्यूटिफुल वॉक, आई कैन नेवर शूट इट फॉर एस के, क्योंकि वो कैरेक्टर ही नहीं है। करेक्ट करेक्ट। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू, और ये इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यही है यार, और इतना ही मतलब बता पाऊंगा अभी तुम्हें, क्योंकि मेरे भी दिमाग में एकदम से चीजें आ नहीं रही हैं, बट इट्स अ लॉन्ग डिस्कशन, इट कैन टेक आवर्स एंड आवर्स। एस्पिरेंट्स की जो थीम है, जो बीच में स्कोर बचता है और जो बेसिकली जिसकी वजह से आधी मतलब जो कंपन जो है वो उस म्यूजिक और सीन से आती है, तो ये म्यूजिक क्या पहले बना था यार ये, या फिर ये पोस्ट में बना है? यार देख, ये पहले तो म्यूजिक डायरेक्टर का नाम है, जो बैकग्राउंड स्कोर जिसने बनाया है उसका नाम है तुषार मलिक, उसने फ्लेम्स का भी बनाया हुआ है, उसने कॉलेज रोमांस का भी बनाया हुआ, तो वो मेरा मेरे साथ हमेशा रहता है जब भी मेरा कोई प्रोजेक्ट, बिकॉज मेरी और उसकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है पहले से। और क्या होता है कि मैं हमेशा किसी शो से पहले बोलता हूँ कि यार, उसके पास स्क्रिप्ट जाती है ऑब्वियसली, और हम डिस्कस भी करते हैं, तो हम कहते हैं कि यार एक धुन बनानी है। फ्लेम्स में भी क्या हुआ कि फ्लेम्स अगर कोई ध्यान से देखे, फ्लेम्स में भी एक्चुअली यही टेक्निक है, द सेम म्यूजिक इज गेटिंग रिपीटेड ओवर द सीजन। उसके दो वेरिएशंस बनते हैं, एक हैप्पी वेरिएशन बनता है, एक सैड वेरिएशन बनता है। फ्लेम्स में भी यही हुआ था। इस शो में क्या हुआ है कि बिकॉज धुन इज एक तो इतनी सुंदर बनाई हुई है, वो मेलोडी इतनी ब्यूटीफुल है ना, का ना 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 ना, वो बहुत ब्यूटीफुल है, एंड व्हेन जब वो चेलो और वायलिन में बजती है ना, तो ओ हो, फिर तो मतलब जब पहली बार हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया था तो हम लोग को ही हो गया था। और इंटरनली जब मैंने भेजा था तो सब लोगों को बोला कि ये बैकग्राउंड स्कोर तो चेंज करोगे ना, रेफरेंस लगाया ना, मैंने कहा नहीं, रेफरेंस नहीं है, ओरिजिनल ओरिजिनल है, किसने बना दिया, मैंने कहा ये यहाँ बैठ के बनाया भाई, ओरे यार ये क्या हो गया भाई। तो एक्चुअली बड़ी मेहनत गई है, आई थिंक ये जो धुन बनी है, आई थिंक हम शूट करने गए थे दिसंबर फर्स्ट सेकेंड वीक में, दिसंबर सेकेंड वीक में शूट शुरू हो गया था, और मैं तुषार को बोलता था कि तू धुन बनाना शुरू कर दे। आई थिंक फेब्रवरी में जाके क्रैक हुई है धुन, इट हैज टेकन अराउंड 2-2.5 मंथ्स टू क्रैक इट।
एक लंबा टाइम गया है, कितनी हमने रिजेक्ट करी, नहीं मजा नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, फील नहीं आ रहा। फिर बड़ी मुश्किल से, बिकॉज तुषार ऑल्सो नोज माई टेस्ट, कि इनको अगर रुलाने का मतलब रुलाना, फिर ये ही विल नॉट इवन, कि आंख में आंसू नहीं चाहिए, फिर एक्चुअली लोगों को बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि फक यार ये क्या बोल दिया यार ये। जो आपका कमेंट सेक्शन है ना, वो मैंने हर एपिसोड का बहुत ध्यान से पढ़ा है, और अगर उसमें एक चीज़ मुझे मुझे जो कॉमन दिखी वो थी सनी भैया जो थे, उनका जो कैरेक्टर है, और खासकर दो सीन मुझे जो दिखे थे जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए थे लोगों को, एक तो ऑफ कोर्स आर्थिक स्थिति वाला, बट जो दूसरा सीन था फाइनल एपिसोड को छोड़ के, वो था जो बारिश वाला सीन था रिजल्ट डे। उसमें ना दो तीन सीन थी जिसने मतलब मेरा ऐसे एकदम माइंड ब्लोन कर दिया था। पहले तो जो शॉट शुरू होता है ऐसे टॉप डाउन एंगल शुरू होता है और बारिश गिर रही होती है, छोटी छोटी चीजें हैं, ये वो सीन कैसे बना था, मतलब वो सीन पिक्चराइज कैसे हुआ था, वो सीन में इमोशन कैसे भरा गया। यार वो ना बड़ा बड़ा मेहनत वाला सीन था, वो बहुत टाइम से प्रिपेयर करना पड़ा था हमको उसको, क्योंकि एक तो कोरोना चल रहा था, 50 तरीके की वो चीजें चल रही थी। एक तो मेरे को बारिश बहुत पसंद है, तो आई लव रेन, तो दैट इज वाई एवरी शो हैज अ रेन इन इट, और स्पेशली स्लो मोशन रेन्स मेरे को बहुत पसंद है। दूसरा, मेरे को हमेशा ऐसा लगता है कि विद विद मेरे को, ये मेरा पर्सनल बिलीफ है कि दैट जब भी इंसान बहुत लो फील करता है और जब रोता है ना, तो शायद गॉड्स क्राई विद हिम, तो हमेशा मेरे को ऐसा लगता है। तो इसलिए हमेशा जितने भी मोस्ट सैडेस्ट सीन्स होंगे ना मेरे शोज में, यू विल सी अ रेन देयर, ठीक है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है द क्लाउड्स क्राई, द गॉड्स क्राई विद व्हेन समबडी इज गोइंग थ्रू दैट टर्मोइल। तो इसलिए मैं हमेशा बारिश दिखाता हूँ। नंबर वन रीजन है, इट्स नॉट फॉर ब्यूटी, इट्स व्हाट आई फील रियली। और सेकेंडली, इसका एक मैं बारिश सीन का एक वो बता सकता हूँ कि यार वी ऑलवेज वांटेड कि यार ये सीन ना बहुत ब्यूटीफुल हो, नॉट इन टर्म्स विजुअली, तो खैर यार वो देख, आप अगर बारिश शूट कर रहे हो तो वो सबका जॉब बन ही जाता है, डीओपीस का, कॉस्ट्यूम्स का, आर्ट का, कि इसको सुंदर दिखाना है। ब्यूटीफुल इन टर्म्स ऑफ इमोशंस यार, बिकॉज अगर आप देखो उस सीन में तो संदीप भैया का नहीं हुआ होता, ठीक है, उस सीन में आप देखो तो नवीन का नहीं हुआ होता, ठीक है। तो दो ही लोग हैं ना जिनसे, अगर आप बात करो जैसे अभिलाष एसके की, एसके का कहीं ना कहीं आपको पता था कि यार डीप डाउन यू ऑलवेज न्यू कि यार इतना मेहनत करता है, इतना गॉड, इतना प्यारा आदमी है, इसका हो ही जाएगा, मतलब वो जिस तरीके का वो कैरेक्टर बिल्डअप है उसका हो ही जाना था, ठीक है। गोरी का आपको फर्क भी नहीं पड़ता, गोरी इज काइंड ऑफ अ कैरेक्टर जिससे आपको है, साले पढ़ा तो इसने है नहीं पढ़ा, कहां से निकल जाएगा, इसका तो अच्छा हुआ वो कैरेक्टर वैसा डेवलप हुआ है गोरी का, है ना। जो आदमी कह दे रहा है कि अर्जुन बलिदान दिया था अंगूठे का, उसका आप कैसे सोच सकते हो कि इसका आईएएस क्रैक हो जाएगा, तो वो तो कैरेक्टर ही ऐसा बना था। तो इसलिए बहुत जरूरी था कि जिन दो लोगों के पास छाता नहीं है वो वही दो लोग थे, पहला जिनके पास प्लान भी नहीं था, दूसरा एसके के पास छाता इसलिए आ जाती है क्योंकि उसका निकल जाता है प्री, अगर उसका भी प्री नहीं निकलता तो दे वुड हैव बीन अ थर्ड पर्सन जिसके पास छाता नहीं होती। प्लान भी नहीं था। वाओ भाई, अदरवाइज सबके पास प्लान भी था। ये मैंने नोटिस ही नहीं करा यार, ये तो सबके पास चाहता था, इन दोनों के पास ही नहीं था। मजा आ देखना गया है, सीन को दिस दोबारा इज देखना आप। अब मैं दोबारा देखूँ, अब मुझे लग रहा है कि अभी मुझे लग रहा है कि अब मुझे शो ही दोबारा देखना पड़ेगा। ऑफ और कोर्स ब्रो, देयर आर सो मेनी डिटेल्स, अ लॉट ऑफ डिटेल्स। जैसे इफ आई टेल यू, एक और डिटेल देता हूँ नाउ दैट यू वॉच द शो, मैं दे सकता हूँ। जब वो कहते हैं ना कि ही इज पार्शियली डेफ, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, वो जानबूझ के, मैंने ना, बहुत इजी होता मेरे लिए फ्लैशबैक दिखाना, बट मैंने ना जानबूझ के नहीं दिखाया, बिकॉज व्हाट वी हैव डन इज फिर हम वो एक क्लीशे मेलो ड्रामेटिक फिल्म की तरह एक फ्लैशबैक दिखाते, बट उसका ना हिंट हम बहुत टाइम से देते हुए आ रहे हैं उस चीज का पूरे शो में। तो पहला डायलॉग था कि मैं इस कान से सुना दूंगा, इस कान से निकाल दूंगा, वो पहला हिंट था। जब वो बेंच पे बैठा होता है गुरी अपना, जब वो मोबाइल में ऐसे वीडियो देख रहा होता है और सामने दो बच्चे होते हैं, तो एसके पहले इधर आता है और फिर हल्का सा रुकता है और फिर इधर आके बैठता है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड होता है कि जब स्टेशनरी पे वो कहता है कि अबे यार इतना तेज मोबाइल तूने क्यों कर रखा है यार, इसको रिंगटोन वाइब्रेट पे लगाना,
तो वो कहता है कि अरे यार रिंगटोन थोड़ा लाउड होता है ना, सुनाई देता है। वो सेकंड बहुत बड़ा रीजन था कि उसने रिंगटोन इतनी लाउड कर रखी होती है कि उसको ना पार्शियली डेफ होता है, तो जिस कान वो एक्चुअली उसको कम सुनाई देता है। ठीक है, देर आर सो मेनी इंस्टेंसेज लाइक दिस कि हमने वो ना छुपाए हुए हैं, वी डिडंट वॉन्ट टू शो इट टू द ऑडियंस लाइक दैट। यू हैव वाह टू वॉच इट अगेन टू नो इट। भाई साहब, बहुत 2-3 साल पहले मुझे एक किसी ने टिप दी थी डिस्कवरी फिल्म मेकिंग में कैसे करते हैं, कि अगर सेकंड हाफ में एक बंदा एक बंदूक से किसी को मार रहा है तो तुम्हें फर्स्ट हाफ में कहीं ना कहीं बंदूक दिखानी है। दिखानी है और क्रेजी रिंगटोन। हाँ यार, ये ये है, रिंगटोन तो बड़ा क्यों था, बहुत बड़ा क्यों था। ये तो बहुत बड़ा क्यों था भाई साहब। मज़ा आ गया ये सुन के। मुझे लगता है अब मेरा इतना मन कर रहा है कि यार अभी टाइम मिलते ही सीरीज बिंज करनी है, क्योंकि अभी बिंज नहीं करी, अभी हफ्ते और हफ्ते पीस बाय पीस तड़प तड़प के देखिए। एक तो यार आप इकट्ठे निकाला करो एपिसोड, ये हफ्ते हफ्ते वाला ना नहीं, मतलब बड़े अरे यार हमें भी तो सोशल मीडिया ज़्यादा एक्टिविटी चाहिए ना यार, एक महीने की। करेक्ट ये भी ठीक यार टाइम है। भी लगता है ना, और स्पेशली इस शो के साथ एक सारी जो क्या था कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल था इस शो को बनाने में, इतना ज्यादा लॉकडाउन हो गया। अब यार वही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर नॉर्मल टाइम्स होते तो कि एक साथ रेडी भी कर लो आप। अब आपको पता है कि आपका साउंड डिजाइन के लिए चेन्नई जा रहा है, DI आपका बॉम्बे में हो रहा है, हम दिल्ली में बैठे हुए हैं, एडिट दिल्ली में चल रहा है, फाइनल आउटपुट मास्टर का निकल रहा है बॉम्बे में, लॉकडाउन लगा पड़ा है। तो इन और जो लास्ट एपिसोड 10 दिन इसलिए भी लगे बिकॉज वी वॉन्ट प्रिपेयर्ड रेडी फॉर इट, बिकॉज हम 7 दिन में निकाल देते। देर इज उसका रीजन कभी भी ये नहीं था कि सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे, वो तो हमने अभी भी निकाला ना 10 दिन बाद भी, और हमेशा से निकाला है। उसका रीजन ये था कि हमको लॉकडाउन की वजह से हम लोग खत्म ही नहीं कर पा रहे थे काम। स्टूडियो हमें एक एक घंटे के लिए मिल रहा था, उसमें जो हमको खत्म कर पा रहे थे वो खत्म कर रहे थे, तो बहुत प्रॉब्लम्स थी। यही रीजन है कि फिनाले 10 दिन बाद आए। कितना टाइम लगा, ये सीड का प्लांट हुआ था एस्पिरेंस का? यार बहुत टाइम पहले हुआ था, इनफैक्ट आई थिंक ये जब UPSC की एक रवीश कुमार की वीडियो बनी थी, सीड वहां से आया ये, और इसको लग गए यार मतलब 2 साल तो लग गए इस पूरे शो बनने में, भाई साहब बहुत लंबी राइट फ्रॉम जर्नी। स्टार्टिंग द स्क्रिप्ट। हाँ बहुत लंबी जर्नी, 9 महीने तो मेरे को ही हो गए इस शो में। 11th August को आई थिंक, हाँ आई वॉज इन टू द प्रोजेक्ट 11th August या 9th August के बाद। तो लंबा टाइम यार, अच्छी चीजें बनने में लंबा टाइम लगेगा फॉर ऑल बिल्कुल फिल्म मेकर्स। मेरे को परसों किसी और ने भी बोला था कि कितना टाइम लगता है, मैंने कहा टाइम दोगे तो अच्छा बनेगा, टाइम के बिना तो नहीं बन सकती। गुड स्क्रिप्ट विल टेक टाइम, गुड प्रोडक्ट विल टेक टाइम, और बजट से उसका कोई रेलेवेंस नहीं है यार। मतलब वी डिडंट स्पेंड 100 करोड़ रुपीज, वी डिड नॉट। हमने कई कई जगह आपको 2020 की गाड़ियां दिखी होंगी, उसमें कोई शर्म की बात नहीं, क्योंकि हमारे पास उतना लैविश बजट नहीं था कि हम पूरी स्ट्रीट की गाड़ियां बदल दें। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। अगर हम नहीं है ना बाबा कि 100 करोड़ नहीं है कि राजेंद्र नगर आप पूरा तो बदल नहीं सकते, या आपके पास VFX की ह्यूज अमाउंट ऑफ पैसा नहीं है कि आप चलो गाड़ी दिख रही इसको हटा के 2012 की कर दो, यू डोंट हैव दैट लविश। वॉट वी बिलीव इज एज PVF की देखो बॉस हम काम अच्छा करते हैं, सारा ध्यान जो है ना वो अभिलाष के चेहरे, SP के चेहरे, सनी के चेहरे, शिवांकित के चेहरे, नमिता के चेहरे पे जाना चाहिए, बाकी पीछे हाँ कोशिश करो ना दिखें, कोशिश करो मास्क वाले लोग ना दिखें, बट अगर दिख जाते हैं लेट्स टेक इट की जनता माफ कर देगी। और उतना ऑनेस्ट आपको अपनी फिल्म मेकिंग के साथ रहना पड़ेगा, और ऐसा नहीं है कि वो हमको नहीं पता वो एरर्स है, वी नो यार, बट वी डोंट हैव दैट ऑप्शन कि गाड़ी वो खड़ी है तो कहीं और से किसी को बुला के वो गाड़ी हटवा दे, और ट्रस्ट मी उससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ा। नहीं तेरे को पड़ा, पढ़ा क्या बिल्कुल भी नहीं। 2012 मैंने बोल दिया 2012 की जय, तो तूने मान लिया उसको 2012 की मान जय, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो मैं वही हमेशा लोगों को बोलता हूँ, डोंट बी फिनिकी अबाउट इट। सारी चीजें ना आइसोलेशन में कभी वर्क नहीं करेंगी, अगर लिया। ये खराब होता ना तो सारे सब जायज हो जाता, बट ये अच्छा है तो सब इसको माफ भी कर रहे हैं। कहानी और इमोशन कहीं ना कहीं आई थिंक प्लेस में था व्हेन आई वॉच द शो, तो मेरा कभी ध्यान गया ही नहीं, मतलब हाँ एग्जैक्टली exactly. तो वही हमारे भी रहता है कि यार इधर स्पेंड स्पेंड 100 करोड़, बाकी लोगों के इमोशंस पे ध्यान ना जाए, बाकी सारी चीजों पे ध्यान जाए। तो मैं नवीन से बोलता था ना कि
कहता है वो घड़ी मेरे से कोई कह रहे कि पीछे घड़ी ठीक कर लो। मैंने कहा अरे घड़ी अगर ये पीछे 7,000 रुपए की घड़ी पे ध्यान जाना है तो नवीन को इतना पैसा क्यों दे रहे, फिर तो साले घड़ी से एक्टिंग करवाओ ना। तो मेरा ही उसूल है, नॉट डेट आई आई मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप सेट पे ध्यान मत दें, मैं कह रहा हूँ डोंट बी फिनिकी अबाउट, यू स्टिल हैव टू शूट द मेन कैरेक्टर, आई स्टिल हैव टू सी यू। अभी तू मेरे से बात कर रहा है, एक बार ही मैंने ध्यान दिया कि हाँ पीछे फिल्म के पोस्टर्स लगे। अब ये पोस्टर, तू 1 करोड़ का एक पोस्टर भी होता ना, तब शायद ये मैं उतनी ही देर के लिए मैंने उसको नोटिस किया कि हाँ 1 करोड़ का पोस्टर है, ठीक है ओके। लेकिन बात तो मेरी तरफ से चल रही है ना दोस्त, करेक्ट। वही चीज है। कौन सा कैरेक्टर पसंद, कौन सा आपको आप आपको जो लग पसंद आजिन, किस कैरेक्टर में सबसे ज्यादा ऐसे गहराई दिखती है? यार एक्चुअली देख पसंद मेरे को सभी हैं, बट इफ यू आस्क मी पर्सनली देन सबसे अच्छा तो मेरे को अभिलाष लगता है। व्हाई आई विल टेल यू व्हाई, देयर इज अ स्पेसिफिक रीजन फॉर इट, बिकॉज अभिलाष इफ यू लुक एट पास्ट एंड प्रेजेंट ना, ही इज फुल ऑफ ह्यूमन फ्लॉज। तू देखना एसके हैज ऑलवेज बीन अ बेटर पर्सन, ठीक है, ही हैज ऑलवेज बीन दैट पर्सन, ठीक है। इवन संदीप भैया इज अ ब्यूटिफुल पर्सन फ्रॉम हार्ट, ठीक है। गुरी इज दैट फन लविंग गाय, हाँ उसके जीवन में कुछ कुछ चीजें हुई, उसने गलती उसके जीवन के साथ हुआ, ठीक है, उसने कुछ अपनी तरफ से गलती नहीं करी और चीजें हुई। वो अभिलाष क्या है, इसके दो रीजन से देख मैं बताता हूँ क्यों। वन, व्हेन वी क्रिएटेड दिस शो ना, वी ऑलवेज वांटेड कि यार कि लोग ना आईएएस को परफेक्ट मानते हैं एज ए ह्यूमन बींग, बट इवेंचुअली यू फॉरगेट दैट ही स्टिल अ ह्यूमन बींग। तो एक ह्यूमन बीइंग्स में ना फ्लॉज बहुत ही जेन्युइन बात है और वो होने चाहिए, वो होंगे, एंड नोबडी इज परफेक्ट। तो इसलिए ना इफ यू लुक अभिलाष पास्ट में ना, पहले 3 एपिसोड में तेरे को फ्लॉज नजर नहीं आएंगे, बहुत कम फ्लॉज नजर आएंगे। फ्लॉज इन द सेंस तेरे को वैसे नजर आएंगे कि ये कितना कंफ्यूज है यार, इसको सब इन्फ्लुएंस कर देते हैं, बट ग्रेजुअली यू विल फाइंड दैट दोज डीमंस इनसाइड है। जैसे 4th एपिसोड में कितना, 5th एपिसोड में तो इरिटेट होके बिल्कुल थप्पड़ थप्पड़ मार देता है, ठीक है। सिमिलरली प्रेजेंट में भी जब तू 4th एंड 5th में आते हैं, 4th एपिसोड का जो एंड सीन है जिसमें गुरी और अभिलाष एक दूसरे, गुरी एंड अभिलाष एक दूसरे से कंफ्रंटेशन है दोनों का, उसमें तू देखना कितनी एरोगेंस भरी पड़ी है उस कैरेक्टर में, बहुत। है ना। जब वो कहता है कि तू बहुत घटिया काम कर रहा है, देयर इज अ सेंस ऑफ एरोगेंस देयर। और सिमिलरली पास्ट में वही टाइमलाइन चल रही है, जब 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 वो धैर्य से ब्रेकअप करता है, जब वो गूरी से लड़ाई करता है, देर इज अ वेरी डीप सेंस ऑफ एरोगेंस कि मैं, मेरे बारे में है सब कुछ, बाकी मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी के साथ क्या हो रहा हो, इट्स ओनली अबाउट मी, दैट्स नॉट अ बैड थिंग फॉर फॉर अ ह्यूमन बीइंग। तो हम ये चाहते थे कि भाई अभिलाष के कैरेक्टर में ना डेप्थ आएगी, वो डेप्थ फिलोसफी से नहीं आएगी, वो डेप्थ आपके म्यूजिक से नहीं आएगी, दैट डेप्थ विल कम इफ ही हैज जेन्युइन फ्लॉज एज अ ह्यूमन बीइंग। और इसलिए मेरे को वो कैरेक्टर इतना पसंद है क्योंकि रिजॉल्व भी उसका सबसे ब्यूटीफुल है ना, जब चश्मा फेंकता है डस्टबिन में, वो बहुत डिफिकल्ट चीज है दोस्त, मतलब आगे बढ़ना, टू मूव ऑन इन लाइफ इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ लाइफ, है ना। और जिसने जो कर गया दैट इज अ विनर। जो 6 साल से आप अपने अंदर बैगेज लेके घूम रहे हो, जो बोझ लेके चल रहे हो, यू जस्ट लेट इट गो लाइक दैट, और वो एक जर्नी दिखाई है, इसलिए मेरे को सबसे ब्यूटीफुल कैरेक्टर अभिलाष का। जब एक शो बनता है, जैसे आपने ये कैरेक्टर के बारे में बताया मुझे इतना डीपली, हर तरीके से कैरेक्टर लिखे जाते होंगे, तो कहीं ना कहीं जैसे कई शो के 10-10 सीजन भी आ जाते हैं, तो जो पहले सीजन में कैरेक्टर्स लिखे जा रहे होते हैं इतनी डेप्थ में, या फिर सीजन लिखा जा रहा होता है, तो क्या दिमाग में एक चीज़ रहती है कि यार इसका सीजन 2 हम बनाएंगे ही हाँ बनाएंगे? यार अब रहने लग गई है, पहले नहीं होती थी, बट नाउ दैट वी द डिजिटल इंडस्ट्री हैज ग्रोन सो मच इन इंडिया, अब ऑनेस्टली यस, हर सीजन के पहले दिन से हमें पता होता है कि लुक बॉस कीप इन माइंड दैट देर आर गोइंग टू बी एटलीस्ट 4-5 सीजन, तो वो पहले से पता होता है हमें। और मैं पर्सनली अपनी ओपिनियन इसमें बता रहा हूँ कि मेरे को ऐसा लगता है कि कैरेक्टर चेंज हो सकता है, इंसान का कैरेक्टर चेंज होगा तभी आपको मजा भी आगे देखा, ओ यार ये कितना अच्छा, ये इसको क्या हो गया यार, ये कितना अच्छा आदमी था। जब सीजन 2 में आप ये बोल पाओगे तभी आपको इंटरेस्ट आएगा ना। हालांकि सिटकॉम्स में बिल्कुल अलग है, सिटकॉम्स में यू लाइक टू सी इफ इट्स बार्नी, यू विल वॉन्ट टू सी बार्नी लाइक दैट फॉर 10 सीजन, है ना। तो बट नैरेटिव फॉर्म्स में ये नहीं होता, जहां एक कॉमन नैरेटिव वीव कर रहा है सारी चीजों को, देयर यू कैन नॉट डू दैट, बिकॉज फिर बोरियत होने लग जाएगी। अगर अभिलाष हर बारी सवाल पूछेगा तो इरिटेशन हो जाएगी,
सो देर आर टाइम्स जब अभिलाष को एक गूजबम मोमेंट देना पड़ेगा थ्रू हिज वॉक जो प्रेजेंट में आप देखते हैं. अब देर विल बी टाइम जब अभिलाष को एरोगेंट होना पड़ेगा जिसको आपने स्वीट देखा है. ये नैरेटिव फॉर्म में आपको ग्राफ लाना पड़ेगा और ये सारे डिस्कशंस आप एक्टर्स के साथ राइटर्स के साथ करते हो और कई दिन चलते हैं डिस्कशन, एक एक महीना चलते हैं डिस्कशन. स्पेशली शूट से पहले सबसे ज्यादा ये डिस्कशन चलते हैं क्योंकि एक्टर्स के ना दिमाग में घुसना बहुत जरूरी होता है ये चीज. राइट दो इंटरनलाइजिंग जब होती है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभिलाष सनी का वो जो सीन है बहुत बड़ा रीजन है इंटरनलाइजिंग का. सनी ने उस वक्त मान लिया कि मैं गरीब उस खानदान को बिलोंग करता हूँ जहां मेरे पिताजी के पास पैसे नहीं है, तो वो घुसा इसलिए पाया बिकॉज वी डिस्कस्ड इट सो मच ना इन डिटेल कि वो पार्ट बन जाता है उसका. एक मेरा पर्सनली मुझे एक चीज़ जो जाननी है वो ये जाननी है, एक डायरेक्टर का एक दिमाग होता है एंड वो और राइटर जल्दी से आ जाते हैं सेम पेज पे, क्योंकि दो ही लोग हैं, शुरू की टीम है, उसके बाद सब टीम को उस सेम इमोशन पे लेके आना, उस एक नवीन को अभिलाष बनाना, शिवांकित को, उसका जो प्रोसेस होता है वो मुझे जानना है. एंड आई'ड लाइक टू ऐड जस्ट वन मोर थिंग. मुझे आई वॉज वी आर शूटिंग लास्ट ईयर एंड एक जो चीज़ मुझे पता चली थी कि डायरेक्टर्स प्लेलिस्ट बना के देते हैं हर एक कैरेक्टर को, क्योंकि म्यूजिक इज अ वेरी डिपेंड यूनिक करता वे है टू वो एक. इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग. हाँ वेरी जैसे मैंने बोला ना कि मैं एक्ट करके दिखाता हूँ एक्टर्स हाँ को, जी बट मोस्ट ऑफ डायरेक्टर्स डू नॉट एक्ट, दे ओनली गिव द ब्रीफ कि ये सीन है, ये इमोशन है, आप करके दिखाओ. दे डिपेंड ऑन एक्टर्स. आई डिपेंड मोर ऑन माई माई वे ऑफ टेलिंग थिंग्स देन आई डिपेंड ऑन एक्टर्स. राइट आई कैन ट्रस्ट एक्टर्स एक्टिंग, आई कैन नॉट ट्रस्ट कि हाँ उन्होंने ब्रीफ सही समझा है कि नहीं समझा है. तो मैं ब्रीफ में खुद पे डिपेंड करता हूँ. तो देर आर सो मेनी वेज टू गो अबाउट इट. 50% ऑफ डायरेक्टर्स यू विल सी कि वो नहीं बताते कुछ भी, ठीक है, वो सिर्फ ब्रीफ बताएंगे. 50% चाहेंगे कि ये सीन इसी तरीके से हो जैसे हम कहें, एंड वो बहुत थिन लाइन है. वो कैसे मीट करनी है, वो एक्सपीरियंस के साथ आता है, उसका कोई मैजिकल रूल नहीं है. यू विल हैव टू पेव योर ओन पाथ देयर, और यू विल हैव टू सी कि पिछले 10 सालों में आपके लिए कैसी चीजें वर्क करी. वो डिफरेंट पाथ है. और एज लॉन्ग एज तू टीम की बात कर रहा है, याद देख आई हैव अ सेम टीम फॉर 6 ईयर्स और आई हैव बीन ब्लेस्ड विद दैट. और मेरे को लगता है वो हर डायरेक्टर के लिए बहुत जरूरी है कि एक अच्छी टीम क्रैक करना, और वो क्रैक इजी नहीं है यार. मतलब इट हैज टेकन मी 6 7 ईयर्स टू क्रैक दैट टीम. एवरीबडी, रोहित शेट्टी की भी एक बहुत अच्छी टीम है जो कई सालों से सेम है. उसका एक बहुत बड़ा फायदा होता है यार दो, कि एक तो सब आपको पहचान जाते हैं कि यार इनकी ये वाले सीन्स में ना सबसे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है, इमोशनली. जैसे रेंज के कॉस्ट्यूम्स हो गए, सनी भैया के कॉस्ट्यूम्स हो गए, जितने भी इमोशनल सीन्स हैं या जितने भी इंपॉर्टेंट सीन्स है ना, पूरी टीम एक्साइटेड हो जाती है कि अपू सर सारा ध्यान यही देंगे, सारा सारी राइट एनर्जी वहीं लगने वाली है. तो वो खुद भी एनर्जी में आ जाते हैं कि नहीं यार हमको भी दिमाग लगाना है, हमको भी देखना है, हमको भी कुछ इनपुट्स देने हैं. एक तो वो चीज होती है, दूसरा ये होता है कि यार आई थिंक जब आप टीम आपके से प्यार करती है और आप टीम से बहुत प्यार करते हो, आई थिंक वो ना फिर अपना समझ के करने लग जाते हैं और फिर आपको क्रिएट नहीं करने पड़ते इमोशंस, दे आर ऑलरेडी इमोशनल अबाउट. यही डिफरेंस होता है ना कि उनको पता है कि दिस शो इज एज मच आवर्स जितना ही अपूर्व का है. तो जब ये शो भी हमारा ही है तो वाई हमको भी उतने ही एफर्ट डालने जितने वो डाल रहे हैं. इट्स अ सिंपल थ्योरी ब्रो, इसमें और कुछ नहीं. काफी काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहे. तो एक हाँ एंडिंग रैपिंग अप सवाल पूछना चाहूंगा. हाँ आई हैव बताना. सीन ऑल दी शोज, फ्लेम्स, आम आदमी फैमिली, एस्पिरेंस, बहुत ही अलग अलग शोज हैं, बहुत ही अलग अलग टैंजेंट पे हैं. नाउ मुझे ये पूछना है कि यार ये एक ही अपूर्व है या ये अपूर्व ट्रांसफॉर्म हो रहा है या फिर आप ऐसे एक्टिवेट करते हो अपना पार्ट, ये क्या है ये? यार ये ना बेसिकली देख एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के, और ऐसा नहीं है कि एक्टिवेट करता हूँ. यस ऑब्वियसली सालों के साथ मैं भी ग्रो कर रहा हूँ. अब 6 साल पहले जो मैं डायरेक्टर था आज वो नहीं हूँ वैसा डायरेक्टर, श्योर. लेकिन एक बेसिक ह्यूमन, एक बेसिक स्किल जो होती है इंसान में, एक बेसिक इंट्यूशन जो होता है वो सेम, ठीक है, मेरे में भी है वो. तो और लेकिन टाइम के साथ मैं भी ग्रो कर रहा हूँ. मैं भी कई सारी चीजें पढ़ता हूँ, मैं भी कई सारी चीजें देखता हूँ या कई सारी चीजें सीखता हूँ बाकी लोगों से. तो वो मैं इनकलकेट करता हूँ हैबिट अपने आप में,
कि अच्छा ठीक है अब मैं इस तरीके से शॉर्ट लेके देखूंगा, बट देन आई मेक श्योर कि मैं रिसर्च करूं, मैं जस्ट बिकॉज आई हैव टू टेक अ शॉट आई डू नॉट टेक अ शॉट, इफ देयर इज अ नीड टू टेक दैट शॉट ओनली देन आई विल टेक दैट शॉट. तो वो मैंने बनाया हुआ रूल पहले से अपना, एवरी बडी शुड हैव देयर ओन रूल, इसका कोई फिक्स रूल नहीं है. सबसे अच्छी बात इस लाइन की है, दैट इज व्हाई इट्स क्रिएटिव ना, अगर फिक्स होता तो ये क्रिएटिव नहीं रहती, फिर देन यू आर ऑलरेडी फॉलोइंग अ सेट पैटर्न. इट्स कॉल्ड क्रिएटिव बिकॉज देर आर नो रूल. टेक्निकल रूल्स कुछ होंगे जिसके बेसिस पे चीजें आगे बढ़ेंगी, बट यार इंसान सेम हूं. बट इफ यू लुक एट ऑल माई शोज ना, देर इज वन वेरी एक इमोशन हमेशा रहेगा अंडरलाइंग, एंड इट्स ईदर इट्स लव, ईदर इट्स इंस्पिरेशनल और फैमिली वैल्यूज, ये सारे कॉमन फैक्टर्स रहेंगे मेरे शोज में. एंड आई थिंक इवन कमिंग गोइंग फॉरवर्ड ये हमेशा रहेगा कि मेरे तेरे को ना अंडरलाइंग इमोशनल फीलिंग आएगी मेरे शोज से, बिकॉज आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. मैं आउटराइटली कुछ अलग अगर करूंगा तो आई वुड डू क्राइम, वो भी इन्वेस्टिगेशन ड्रामा. अदरवाइज आई लव डूइंग दीज शोज, और आई थिंक वो अच्छी चीज है, सबका अपना होता है. यस, बट एक चीज है जो इसमें मैं बोलना चाहता हूँ कि द वे आई शॉट फ्लेम्स एंड द वे आई शॉट आम आदमी फैमिली इज रिमार्केबली डिफरेंस फ्रॉम हाउ आई शॉट एस्पिरेंट, बिकॉज इस शो के लिए ना पिछले 6 महीनों में हम लोगों ने जान लगा दी थी, इन द सेंस कि एक एक लाइन, एक एक कॉमा, एक एक शॉट. कई जगह क्या होता है ना कि कुछ कॉन्वर्सेशन, फॉर एग्जाम्पल मम्मी एंड पापा आर टॉकिंग, ठीक है ये सीन है. सो एज अ डायरेक्टर आई डो नॉट इवन वॉन्ट टू थिंक अबाउट इट, मेरे को पता है कैमरा कहाँ लगेगा, मेरी टीम को पता है कि अरे ये सवाल भी मत पूछ, यहाँ लगा देंगे कैमरा, अच्छा फ्रेम बनना चाहिए, सवाल उनका वैसे भी कॉन्वर्सेशन पे ध्यान. बट फॉर एस्पिरेंट्स व्हाट हैपेंड वाज कि एक एक लाइन पे हम लोगों ने फोकस किया, वी न्यू कि दैट इस लाइन पे इस शॉट में कैमरा इसके चेहरे पे होना चाहिए, हमें ये मूवमेंट चाहिए, हमें ये मूवमेंट चाहिए द कैमरा. ये इट वॉज अ वेरी डिटेल्ड प्री प्रोडक्शन, आई हैव नेवर डन सच डिटेल्ड प्री प्रोडक्शन इन माई लाइफ. एवरी शॉट, एवरी सीक्वेंस, जैसे स्टडी मोन्टाज ले लो या लाइब्रेरी का लव मोन्टाज ले लो, वी ऑलरेडी न्यू. ऐसा नहीं कि हमने शूट कर लिया और बाद में एडिट लगा रहे हैं. तो मैं वही बोल रहा हूँ, वी शॉट इट इन अ वे जो आप देख रहे हो, हमने उसमें एडिट में भी चेंज नहीं किया है. सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट. वन अदरवाइज क्या होता है कि खूब सारी फुटेज ले ली और आप फिर एडिट बना रहे हो. बट यहाँ ऐसा नहीं था, यहाँ पर एग्जैक्टली वैसा दिख रहा है एडिट में जैसा हमने शूट किया है. सो एक और मैं बताऊं, पूरे पूरे 5 एपिसोड्स में सॉरी, आई थिंक देयर इज जस्ट वन सीन जिसको मैंने जो शूट किया है कटा है, अदरवाइज सारे सीन जितने शूट किए सबके सब है, एक चीज हटी नहीं है शो में से. बहुत रेयरली होता है ऐसा शो में. ये एस्पिरेंस में जब आप शूट कर रहे थे तो वो क्या था, वो ऐसे यूरेका मोमेंट क्या था कि भाई एक इंटरनली हम वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं क्योंकि इट कुड कम ऑफ एज ईगो, बट आई एम श्योर एक मोमेंट वो रहा होगा कि आपको मन में रहा हो कि यार अपूर्व तूने तो फोड़ दिया, मतलब ये कुछ फूटे. वो कब आया था मोमेंट? आई थिंक फर्स्ट डे पे ही समझ में आ गया था यार, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि फर्स्ट डे जब मैं जा रहा था ना तो आई गेट अ लॉट ऑफ हिंट्स. भगवान बहुत मदद करते हैं मेरी, है ना, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट. तो मेरे को हमेशा आता है यार, पहले दिन ही ना एनर्जी ऐसी फील हुई कि यार कुछ तो. पहला शॉट हमने लिया था जब अभिलाष छत पे खड़ा होकर स्माइल कर रहा है एंड देन पीछे से कैमरा आता है और राजेंद्र नगर का इंट्रोडक्टरी शॉट है, वो पहला शॉट था वो. तो जब उसने स्माइल किया ना अभिलाष ने, मैंने कहा कि ओ हो ये कुछ अलग बन रहा है, और सारे इक्विपमेंट भी सही वर्क कर रहे थे, पैंथर भी सही वर्क कर रहा था, टाइम पे बज रहा था. मैंने कहा चलो भाई कुछ अच्छी की शुरुआत हुई, अच्छा ही जाने वाला. मेरे को शायद वही लगता है, वही है. उसके बाद तो वी ऑलवेज न्यू कि यार कई सारे स्ट्रगलर्स इस सेट पे हैं और कई सारे ऐसे लोग हैं जो चाह रहे हैं बहुत ही फ्रॉम द डेप्थ ऑफ देयर वेरी हार्ट, दे वॉन्ट कि यार ये शो वर्क करे. एवरीबडी वॉन्टेड दिस शो टू वर्क बैडली बिकॉज कईयों को 12-12 साल हो चुके थे और एग्जैक्टली वो बबल बर्स्ट नहीं हुआ था या वो बॉम्ब विस्फोट नहीं हुआ था जो किसी के करियर में होता है, स्पेशली इस लाइन की बात मैं कर रहा हूँ. और वो सब डीप और इतनी स्ट्रॉन्ग डिजायर थी ना उस चीज की कि वो एक्चुअली हम लोग के लिए वर्क करेंगे. wow.
एक चीज़ बोली आपने कि आपके हर शो में एक इमोशन रहता है, एंड आई थिंक आई वुड लाइक टू एंड दिस विद दैट कि एस्पिरेंस आपका जो लेटेस्ट शो यही है, तो इसका ऐसा क्या इमोशन था दैट यू वॉन्ट पीपल टू टेक विद देम? जब जब पांचवा एपिसोड देख के बंदा हटे, तो एक वो क्या दिल में क्या फीलिंग आप चाहते हो कि वो लेके जाए? यार मेरे को ऐसा लगता है कि इट इज नॉट गेटिंग मिजरेबल विथ फेलियर, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम व्हाट हैपेंस इज इन लाइफ में वी फील मिजरेबल बिकॉज ऑफ फेलियर्स, एंड और स्पेशली आजकल के टाइम्स पे बहुत हम देखते हैं कि कई सुसाइड्स हो रहे हैं बिकॉज ऑफ फेलियर, कई सारे प्रेशर्स की वजह से लोग कई सारे गलत डिसीजन ले रहे हैं. मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि एंड दिस इज अ पर्सनल ओपिनियन, जो मेरे को लगता है कि बहुत जरूरी है आजकल ये समझना कि कुछ चीजें टाइम लेती हैं आने में. इफ इट इज एंड आई डोंट वांट टू कमेंट अबाउट एनीबडीज, क्योंकि कई जना हर तरीके की चीजों से गुजर रहा होता है यार देख, है ना, और उसको यहाँ बैठ के इस लाइफ पे बैठ के हम जज भी नहीं कर सकते. बट एक बेसिक कई लोग बहुत जल्दी भी घबरा जाते हैं फेलियर से, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि यार इट इज गुड टू फेल समटाइम्स, क्योंकि उसके बाद ही, जैसे मैंने बोला ना कि मैं फेल हुआ आईएएस, अच्छा हुआ मैं फेल हुआ आईएएस, तभी मैं एस्पिरेंट्स डिलीवर कर पाया. तो इट इज रियली ब्यूटीफुल टू फेल समटाइम्स, एंड इट इज ऑल्सो ब्यूटीफुल कि लाइफ लव्स कंसिस्टेंट पीपल. आप फेल हो, आप कंसिस्टेंटली वो चीज बार बार करो, लाइफ विल गिव यू रिजल्ट. लाइफ लव्स इट, लाइफ डज नॉट लव इनकंसिस्टेंट पीपल. कि आज हम डायरेक्टर बन रहे हैं, कल हमने कहा नहीं यार डायरेक्टर में मजा नहीं आ रहा, एक काम करते हैं कि उतार उठा दिया. यू डू इट फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, यू विल रीप ट्रिमेंडस रिजल्ट. सो आई थिंक फेलियर्स आएंगे, हम सबने फेलियर्स देखे हैं. आई थिंक देर आर लॉट ऑफ स्टोरीज विच आर अनटोल्ड. हमारी तो कहानी इसलिए पता लग जा रही क्योंकि हम लोग को आप देख रहे हो, लेकिन इतने इंस्पिरेशनल कहानियां है लोगों की कि यार पता नहीं कितनी बारी फेल होकर राइज किया है, फिर गिरे हैं, फिर राइज किया है. मेरे को ऐसा लगता है इट इज ओनली अबाउट मूविंग ऑन, इट्स नॉट अबाउट विनिंग और लूजिंग. वरना तो एस्पिरेंट्स के बाद मैं कुछ नहीं करूंगा. इट्स ओनली अबाउट दोज इवेंट्स दैट यू हैव टू रीच इन लाइफ. जैसे आज मेरा एक इवेंट था एस्पिरेंट, आई हैव रीच्ड इट, नाउ इट्स अबाउट नेक्स्ट इवेंट. इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी दैट, ये मेरे को लगता है. आई डोंट नो अबाउट इट. अरुणाभ सर ने आपके लिए कैप्शन लिखा था एक, कि द डायरेक्टर हु अचीव बैलेंस। वही रीजन है यार, बिकॉज आई जैसे मैं 6:30 बजे के बाद काम नहीं करता हूँ. आई गिव दैट टाइम टू माई फैमिली, नो मैटर वॉट हैपन्स इन द वर्ल्ड. आई विल नॉट वर्क आफ्टर 6:30, बट आई विल मेक श्योर दैट मैं 9:30 बजे सुबह ऑफिस पहुंचूं बिफोर एवरीबडी, और 9:30 बजे पहुंच के 9:45 से काम शुरू करूं. अब वो कई लोग क्या करते हैं, चाय सिगरेट पे समीक्षा चल रही है दिन भर में, मैं वो नहीं करता. मैं अपना पूरा काम खत्म करता हूँ 6 बजे के बाद, और वो सारी समीक्षा में 6 बजे के बाद करता हूँ. तो आई हैव क्रिएटेड दिस डिसिप्लिन फॉर द पास्ट 6 ईयर, और मैं उसी को स्टिक रहता हूँ यार. मैं सो जाता हूँ 9:30 बजे यार, आई स्लीप एट 9:30 एवरी डे, मी एंड माई वाइफ, और हम 4:30 बजे उठते हैं रोज सुबह. तो दिस हैज बीन माई लाइफ फॉर पास्ट 6 ईयर यार, पास्ट 6-7 ईयर. तो बहुत रेयरली होता है कि मैं 10:30 11 नाइट आउट तो भूल ही जाओ, हुआ ही नहीं है मेरे को लग रहा है 8 सालों में. बट हाँ पार्टीज भी बहुत ओकेजनली होती हैं, तो उस दिन तो जाग लेते हैं. अदरवाइज माय रेगुलर रूटीन इज 9:30 आई विल स्लीप, 4:30 आई विल वेक अप. और उसकी वजह से मेरे को बड़ा फायदा हुआ यार, बिकॉज मैं बहुत फ्रेश रहता हूँ. 6:30 के बाद मैं कुछ काम नहीं करता हूँ तो मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताता हूँ, तो फिर अगले दिन मैं फिर फ्रेश मूड से काम कर सकता हूँ. तो आई थिंक वो बैलेंस क्रिएट करना बहुत जरूरी है लाइफ में. इट इज बेटर फॉर यू ऑल्सो, इट इज बेटर फॉर पीपल अराउंड यू ऑल्सो. किसी भी एक चीज के पीछे भागते रहोगे, वो चीज हमेशा आपसे दूर भागती रहेगी. यार क्या खतरनाक ठहराव है यार आप में। मतलब मैं इतना, मुझे नहीं लगता मैं इतना काम रहा हूँ पॉडकास्ट में, और यूजुअली एक हेजिटेशन हो रही होती है कहीं ना कहीं, बट मुझे पता नहीं चला है कि पिछला 1.25 घंटा हो गया मुझे, मैंने अभी टाइम रियलाइज करा एक्चुअली भी मैंने नहीं। रियलाइज नहीं किया यार, 1.25 घंटा हो गया यार. मतलब एट दिस पॉइंट मुझे इतना मज़ा आ रहा है कि यार मुझे लग रहा है कि मैं कितनी सारी टुकड़े लेके जा रहा हूँ इस पॉडकास्ट से, जो कि मैं अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं जाके लगाऊंगा आगे, और शायद अभी रियलाइज़ नहीं हो रही मुझे वो चीज़ें, बट मतलब जेन्युइनली मतलब थैंक यू सो मच, आपने टाइम थैंक यू दिया ब्रो.
लॉट। अरे वो तो देना ही था, वो तो मैंने बोला ना, तेरा एक बहुत बड़ा ये उधार चुकता करना था, तूने हॉस्टल के कमरे में सिगरेट पिलाई थी, ये तो वो था ना, ये मैंने अपना बहुत बड़ा उधार चुकता किया आज। ये डालियो, हाँ ये चलो डालियो जरूर है, ये बिल्कुल डालना, वीडियो में डालना डालेंगे। ये बात है ना, उसपे कमेंट आएंगे, देखियो फिर तू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। थैंक यू।